हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट टेबल 8.5 के बनाए हुए क्रड एप्लीकेशन को और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको एडवांस लेवल पे हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं डायनेमिक एडिटिंग का फीचर को, जो यूज करने वाले, किसी ने कमेंट भी किया था हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने भाई, कमेंट भी किया था कि इस फीचर को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, और ऐसे में इस पे वीडियो बनाने वाला था, काफी इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने वाले, तो जिससे कि हमारा एप्लीकेशन और भी एडवांस लेवल पे जाएगा और कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या है कि मैं अभी आपको इसका जो फाइनल डेमो है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारा फाइनल एप्लीकेशन जो है कैसा दिखने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग पे जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि भाई मैं कुछ भी बोल दूंगा, क्योंकि देखो इसका जो पहला वीडियो था ना, जिसमें मैंने बताया था कैसे क्रड एप्लीकेशन बना सकते हो, और ये उसको उससे भी हम लोग थोड़ा उसको एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी आपको फाइनल डेमो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं होगा कुछ भी मैं बता दूंगा भाई इसको रिमूव करना, इसको इसको डिलीट कर दो, इस लाइन को लिख दो, ऐसा नहीं होगा। मैं एक एक लाइन अगर रिमूव करता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक भी समझाऊंगा कि उसको मैंने क्यों मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई लाइन को ऐड कर रहा हूँ तो उस लाइन का पूरा मीनिंग समझाऊंगा कि भाई उसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मतलब कि कुछ भी बोल दूंगा ऐसा करना वैसा करना, तो हर एक चीज का लॉजिक आपको समझाऊंगा बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, क्योंकि भाई ट्रांजिशन हो रहा है ना कि किसी एक एप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, तो एक ट्रांजिशन बन रहा है, तो मैं आपको बहुत ही स्मूथली हर एक चीज को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो अभी आप फाइनल डेमो देख लो, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना, तो काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो। ठीक है, तो अभी चलो अभी फाइनल हम लोग डेमो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी जो है अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करता हूँ फुल नेम पे। ठीक है, तो एक 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 आइटम ने यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, एक आइटम ऐड करके देख लेते हैं और मतलब पूरा क्रड एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं और क्या वो फीचर है, उस फाइनल फीचर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो जैसे मैं अपना एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सुब्रोतो विश्वास। ठीक है, फुल नेम में दे रहा हूँ, ईमेल में कुछ भी देता हूँ, जैसे subroto@paste.com। ठीक है, फोन नंबर में कुछ रैंडम फोन नंबर दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए स्टेट में अपना स्टेट देता हूँ जैसे झारखंड, सिटी में देता हूँ जैसे यहाँ पर रामगढ़ दे रहा हूँ, पिन कोड में रैंडम इस तरीके से, और क्लास में दे रहा हूँ जैसे 15। ठीक है, और क्रिएट स्टूडेंट पे करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये था डायनेमिक फीचर, पहले क्या होता था फॉर्म में आ रहा था। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है सॉरी उसके लिए, कि हम लोग यहाँ पर लेआउट को भी चेंज करेंगे। ठीक है, लेआउट जो है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेआउट को भी चेंज करने वाले फ्रेंड्स। यहाँ पर जो लेआउट साइट था, तो हम लोग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई लेआउट को कैसे, मतलब एक एप्लीकेशन अगर आपका बना हुआ है ना, तो आप कैसे उस लेआउट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे लेआउट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे एडिट करता हूँ, तो ये था डायनेमिक एडिटिंग का फीचर कि भाई यहीं पर आएगा आपको। ठीक है, अगर और एक मैं ऐड करता हूँ ना कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंकित भाव इस तरीके से, अंकित@gmail.com, फोन नंबर में कुछ भी देता हूँ इस तरीके से, स्टेट में देता हूँ झारखंड, सिटी में रांची, पिन कोड में कुछ भी इस तरीके से, और क्लास में 13। ठीक है, और क्रिएट स्टूडेंट करते हैं, तो ये देखो, तो इसको हमने क्लिक करके रखा था ना, तो इसमें डायनेमिक एडिटिंग फीचर में क्या होगा भाई। ठीक है, तो डायनेमिक एडिटिंग फीचर में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो अगर आप किसी पे क्लिक करोगे ना, तो यहीं पर आपको पहला फील्ड, पहला ऑप्शन की आपको ना यहीं पर मिल जाएगा कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप इनपुट फील्ड को यहाँ पर मतलब सारे आइटम को सेट कर सकते हो, कुछ भी अपडेट करना कर सकते हो, और आपको मन हुआ कि नहीं भाई मुझे अपडेट चेंजेस नहीं करना, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो कैंसिल हो जाएगा, वापस पहले स्टेट पे वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा, अगर आपको मन है कि नहीं अपडेट करना, जैसे ये था अंकित भाव, तो मैं यहाँ पे क्लास 13 तो होता नहीं, बट मैं 12 कर देता हूँ, और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो अपडेट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको अपडेट करता हूँ मैं सुब्रतो विश्वास, अपने नेम की जगह पर मैं यहाँ लिखता हूँ तूफानी कोडर, और यहाँ पर क्लास मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया तूफानी कोडर और ये हो गया क्लास 12। ठीक है, तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स समझ में गया कि क्या है भाई, काफी कमाल का, तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे आप इसको, इस फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि अपग्रेड कर सकते हो। हम लोग कुछ नया से नहीं बना रहे, लेकिन पिछला जो एप्लीकेशन था उसी को अपग्रेड करके बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देखने वाले, अब डिलीट करते हैं, ये देखो डिलीट भी हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर कोडिंग पे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अभी पता है आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना हम लोगों को, वो क्या है, बैकएंड क्रिएट करना। तो अब अभी सोच रहे हो यार बैकएंड क्रिएट करना तो बहुत ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फ्रंटएंड में वर्डप्रेस का आपने नाम सुना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके करते हैं, तो बैकएंड में भी इस तरह का कुछ है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, मतलब उस तरह कुछ सिंपल चीज है। जैसे मैंने पिछले इसके वीडियो में बताया था, मतलब कुछ नया नहीं है, इस ट्रैफिक के बारे में बहुत लोग जानते हैं,
तो अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्ट्रैपी का वेबसाइट पर आना आपको strapi.io पे, और यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। एक अलग से यहाँ टैब ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है भाई, लोड ले ले ये एक बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल आपको डाउन करना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पर आपको दो कमांड मिल जाएंगे, npm के और एक yarn के। तो आपको भाई जो आप यूज करो, चाहे आप npm यूज करो तो npm वाला टैब पे क्लिक करके ये लाइन को कॉपी कर लो, और क्योंकि मैं yarn यूज करता हूँ तो सिंपली yarn वाले टैब पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी हो गया और मतलब सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको मिनिमाइज करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर फोल्डर नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, जैसा आपको सही लगेगा। मतलब अगर फोल्डर बना के भी करना चाहे तो मैं वो भी दिखाता हूँ। एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बैकएंड, ठीक है। बैकएंड के लिए हमने यहाँ पर एक फोल्डर हमने बना दिया और ये ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जो भी एक गिट बैश हेयर या फिर कमांड प्रॉम्प्ट जो आपको सही लगे उसको ओपन कर लीजिए। ये मेरा ओपन हो रहा है, ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्या मजाक है यार। या तो था क्लिक, फिर से एक बार क्लिक करते हैं। अच्छा ओपन हो रहा है, यार ओपन हो चुका था बट चलो, तो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो वो मिनिमाइज था, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, अब सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। तो राइट क्लिक करके पेस्ट पे करोगे या शिफ्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करोगे तो सेम बात है, ठीक है। बस आपको अंतर यहाँ पर ये क्योंकि हमने बैकएंड फोल्डर क्रिएट कर लिया ना, तो अभी यहाँ पर ये कमांड एंटर करेंगे तो एक और फोल्डर बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं सारा फाइल्स यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो एक तरह से आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, आपको याद ही हो जाएगा यहाँ पर मतलब, ठीक है। तो जब भी इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नेम, फोल्डर नेम की जगह पर अगर डॉट लिख दोगे ना तो क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट के जितने फाइल्स है ना वहाँ वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ना कि एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर वो फाइल्स होगा, ठीक है। तो ये मतलब टिप्स ट्रिक जो भी समझ लो, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैपी ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ये जल्दी से क्रिएट हो जाता फिर मैं वापस आता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो बैकएंड तो बनाना पड़ेगा ना, तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा लगेगा 2-4 मिनट और ये हमारा बैकएंड रेडी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो स्ट्रैपी का जो एप्लीकेशन तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये दो मतलब जो टर्मिनल पे यहाँ पर हो चुका था, और उसका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ब्राउजर पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्योंकि देखो हम लोग कोई रियल वर्ल्ड मतलब उतना भी ज्यादा रियल वर्ल्ड कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो सीखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम में कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर अपना ही नेम देता हूँ सुब्रतो, और लास्ट नेम में विश्वास, ठीक है। ईमेल में कुछ भी रैंडम, जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट @crud, ठीक है, कुछ भी दे दो। मतलब ये रियल में कोई किसी क्लाइंट के लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ, ठीक है। सिंपली गूगल पे सर्च कर लोगे ना कि पासवर्ड जनरेटर, कोई भी एक उठा लो और सिंपली वहां से कोई भी एक पासवर्ड को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड हमारा कॉपी हो गया, और वापस जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं उस पासवर्ड को, ठीक है, इस तरीके से। और लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस पासवर्ड को कहीं आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं और कुछ बाद में चेंजेस करेंगे, हो सकता है ना। बस जो भी जो ईमेल दिया और जो पासवर्ड दिया वो आप मतलब कि कहीं लिख के रख दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कंटेंट टाइप बिल्डर में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करना, सिंपल सा स्टेप है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप करना, और क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो मैं उस कलेक्शन के नेम यानी उस टेबल के नेम मैं स्टूडेंट देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक एक करके ऐड करते हैं। अब ये फील्ड बार बार खुद बार आ जाता है, अगर मैं यहाँ से क्लोज कर लूँ, रुक जाओ, यहाँ से क्लिक करते हैं और अब करते हैं ऐड न्यू फील्ड, और एक एक करके ऐड करते हैं। तो मैंने लिख के रखा, मतलब पिछले वीडियो का ही मैंने दिखा है वो डेटा टाइप जो भी है। तो पहला था फुल नेम, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टाइप पे, और यहाँ लिखते हैं फुल नेम, शॉर्ट टेक्स्ट ही होने वाला, फिर ऐड अनदर फील्ड करते हैं, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर था ईमेल, क्लिक करना पड़ेगा ईमेल, ठीक है। फिर ऐड अनदर फील्ड करते हैं, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर हमारा था फोन, ठीक है। फिर ऐड अनदर फील्ड करते हैं, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर करते हैं टेक्स्ट पे, भाई क्लिक तो कर रहा हूँ कि नहीं रहा है, फिर स्टेट, ठीक है, और फिर से क्लिक इस पे करते हैं, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और फिर स्टेट का था सिटी, ठीक है, सिटी, फिर ऐड अनदर फील्ड करते हैं। सारा अगर टेक्स्ट ही मैंने रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट रखना चाहिए, लेकिन बट क्योंकि सीख रहे ना, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये नहीं कि भाई टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ भी रखो, सीखने के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। तो यहाँ पर आप लूज भी रखोगे ना चीज़ों को कि भाई टेक्स्ट या नंबर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन हमारा फोकस यहाँ पर ये नहीं कि रेस्टी पैक कैसे बनाना और उस पर डेटा टाइप क्या सेट करना, ठीक है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई कि यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट भी यूज कर रहा हूँ तो उससे कुछ फर्क पड़ने जा रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है हमारा मेन एप्लीकेशन में, तब आप उसको थोड़ा स्पेसिफिक रहो, क्योंकि हमारे मेन एप्लीकेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिन कोड चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, तो कोई मतलब नहीं, सिंपली टेक्स्ट रखते हैं, ठीक है, ये बात है। हाँ अगर मान लीजिए वैलिडेशन करिए उस तरह कर, फिर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा ना, तो मतलब ठीक है, उतना आप चलता है उसको। क्लास तो क्लास के लिए जैसे नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं, ठीक है, क्लास मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मान लो कि क्लास जो है कहीं ना कहीं अगर क्लैश कर गया इसके साथ, जो क्लास जावास्क्रिप्ट का क्लास होता है, तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी तो उसको स्टैंडर्ड लिखते हैं, अपना साथ ही सेफ रहते हैं ना, स्टैंडर्ड, ये हो गया। और फिनिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और क्या हो गया भाई, फिनिश पे तो किया, और यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है।
तो ये रिस्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके ये फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है, और नहीं होता तो फिर हम रिलोड करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं कैसा क्या होता है। हाँ तो फ्रंट से काम करके सिंपली कंटेंट मैनेजर में जाते हैं और एक ना एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट देखो ऑटोमेटिक आ गया स्टूडेंट इस पे, ठीक है, इस पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट पे आते हैं और इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा यार, इस पे स्ट्रैपिंग पे काफी कमाल का, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, तो मैं देखो मेरा क्या होता है ना कि मैं वीडियो बना तो ऐसा नहीं भाई एक वीडियो बना इसमें कुछ बताया कुछ नहीं बताया, ये भी लगता है, ठीक है। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि यार कुछ किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर पूरा अच्छे से एक एक डीपली और डिटेल्ड वीडियो बनाओ, ताकि ना मतलब या तो फिर बनाओ या तो फिर मत बनाओ, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। अब बना दिया कुछ रैंडम सा वीडियो होगा, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, फिर उसमें कुछ है कुछ नहीं है, बाकी फीचर्स पड़े हुए हैं, तो खुद में बेकार लगता है कि यार एक शोकेस जैसा मतलब रहे ना तो अच्छा लगता है कि चीजें एकदम अच्छे से मतलब रखा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं जल्दी किसी टॉपिक को टच करता तो भाई सारे, अब किसी ने कमेंट किया भाई टेबल पे वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि टेबल का अब हर एक टॉपिक को जब टेबल को रिएक्ट टेबल को इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है, क्रिएट न्यू एंट्री पे और आगे बात करते भी रहेंगे, तो क्योंकि देखो रिएक्ट टेबल के ऊपर वीडियो तो मैं चाह रहा था भाई सारे टॉपिक को टच करूँ, ये नहीं कि एक बता दिया बेसिक टेबल चलो कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो या तो फिर उसको सीखो या तो फिर मत ही सीखो, छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो एक यहाँ पर देते हैं फुल नेम, मैं अपना नेम दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है। ईमेल में कुछ रैंडम देते हैं जैसे सुब्रतो एट द रेट एग्जाम्पल या सुब्रतो एट द रेट tace.com इस तरह से कुछ भी दे दो। फोन में कुछ रैंडम फोन नंबर 111 इस तरीके से, और स्टेट में मैं देता हूँ झारखंड, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टेट है यहाँ पर झारखंड, ठीक है। और सिटी में मैं देता हूँ जैसे रांची, ठीक है। पिन कोड में कुछ भी दे देते हैं जैसे 818181 रैंडम कुछ भी, स्टैंडर्ड में 12 दे देते हैं। और यहाँ पर करते हैं सेव, और सेव करने के बाद ना आपको पब्लिश करना होगा, कहीं ना कहीं वर्डप्रेस जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर ही ऐड करता है कि भाई उसमें भी इस तरह कुछ होता होगा ना, मैंने बहुत पहले सीखा था, तो आप सेव करोगे पब्लिश करना है तभी डेटा मिलेगा, ठीक है। अब सेटिंग में जाते हैं और जल्दी जल्दी निपटाते हैं, देखो रूल्स में जाना है आपको, उसके बाद पब्लिक में जाना है और पब्लिक ईयर आई स्टूडेंट, तो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो मतलब यानी पब्लिकली क्रिएट फाइंड मतलब करंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, कुल मिला के बात ये है कि करंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रांस की बात, देखो ऐसा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा स्लो बोलने की, ठीक है, पता है बहुत लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा स्लो बोलो समझ में नहीं आता, मैं भी खुद का वीडियो देखता हूँ ना तो भाई मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है इतना स्पीड कैसे बोल रहा हूँ, मतलब समझ में मुझे भी नहीं आ रहा था कि मतलब बोल तो रहा हूँ मुझे पता है मैं ये बोल रहा हूँ बट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई स्लो बोलने की, लेकिन क्या होता है ना कि जैसा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ना एक कैरेक्टर आ जाता है अंदर में कि क्योंकि आदत हो गया ना स्टार्टिंग से बोलते बोलते, ठीक है, तो भाई वो इस तरह का हो जाता है कि भाई वो मूड एक्टिवेट हो जाता है, फिर भाई ऑटोमेटिक वो स्पीड मतलब स्पीड और स्लो की बात नहीं है, जैसे जिस तरीके से जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो एक जब उनका कैरेक्टर वो बन जाता है ना एक फ्लो बन जाता है तो भाई उसी तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई स्लो बोलने की, ठीक है, मतलब क्या होता है कभी कभी याद है अभी तो भाई स्लो बोलेंगे लेकिन उसका फिर अचानक वो दिमाग से हट गया क्योंकि वो कैरेक्टर अब बन चुका है ना, तो भाई फिर अचानक ऐसा भी बोल रहा हूँ तो स्पीड निकल जाता है, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत से लोग बोल रहे हैं, यहाँ सेव में क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं लोकल होस्ट 1337 इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर टेस्ट करके देख लेते हैं स्लैश स्टूडेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है लोकल होस्ट 1337 /api/students पे हिट करते हैं, ये देखो स्टूडेंट मिल गया, मतलब कि हमारा बैकएंड रेडी हो चुका है, आपको झोल झाल नहीं करना, यहाँ तक हमारा बैकएंड का था, ठीक है, तो इसको अब खत्म करते हैं, ये खत्म ही हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है हमारा, कुछ भी अब नहीं करना। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग मैंने सिंपली लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, उस पर क्लिक करो और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना। तो फ्रेंड्स तो जो मैंने लिंक दिया था ना उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो मेरे इस अब गिटहब पेज पे आ जाओगे, ठीक है, तो इस गिटहब रिपोजिटरी पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो इस रिपोजिटरी में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने ब्रांच अलग ऐड करके रखा है मतलब पुश करने के बाद, तो ये देखो डायनेमिक एडिटिंग आपको मिलेगा, इस पर जस्ट क्लिक कर देना, बहुत ही सिंपल है, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे सिक्स कमिट्स पे क्लिक करना है इस पर, ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक कर दोगे ना तो मतलब और ही बताओ, अगर आपको फाइनल कोड चाहिए ना तो एक बार बैक आता हूँ, ठीक है, फाइनल कोड चाहिए तो यहाँ से कोड करके डाउनलोड करोगे तो पूरा फाइनल कोड मिल जाएगा, इस वीडियो का फाइनल कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सीखने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टर कोड लेंगे, सिक्स कमिट्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्टर कोड देखो ये कमिट लिखा हुआ है इसको जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस एरो बटन पे और आपको ना इसके कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपके यहाँ जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी हो गया। अब इसको क्या करेंगे भाई, फिर से स्पीड हो जा रहा है बोल रहा हूँ, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे डेस्कटॉप पे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर कर लो। तो इसको मैंने क्लिक किया इस तरीके से और ना इसको मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ब्राउजर को मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको क्लोज, इसको नहीं क्लोज करना था, इसको चलो इसको रन करने देते हैं और कहाँ गया मेरा, अच्छा फिर से ओपन करना पड़ेगा भाई। तो आप सिंपली डाउनलोड्स निकाल लो, कंट्रोल जे प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो डाउनलोड टैब पे आ जाओगे, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं रिएक्ट टेबल 8.5 पे और यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है।
पता नहीं यार मेरा कीबोर्ड या माउस का खराब हो गया है, पता नहीं अजीब ही कभी काम करता है कभी नहीं करता, ये तो अजीब हो रहा, एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, रुक जाओ। क्या ड्रामा है भाई इनका, मतलब सब कुछ सही है, पता नहीं कभी कभी क्यों ऐसा हो जाता है। मैं इसको ठीक है रुक जाओ, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप होने में। कभी ऐसा होता नहीं लेकिन कभी कभी देखो अभी सही चल रहा है, तो ये तो आ गया ठीक है। तो सॉरी यार इतना लेट कराने के लिए, आप लोग को हो गया होगा ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कहीं पर भी रख देते हैं और इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, ओपन हो गया, चलो अब सही है। और अभी इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और अब इसको विजुअल स्टूडियो कोड में अपना ओपन कर लेते हैं। तो ओपन विद कोड पर क्लिक करना है आपको ठीक है, या फिर अपने कोड एडिटर पर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो गया, अब मैं इसका ना थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी के लिए जूम करूंगा, नहीं तो मैं इतना जूम तक कभी कोड नहीं करता। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत लोग बोलते हैं भाई दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, तो मतलब ठीक है यार जूम कर लेते हैं। और बहुत से लोग यार कमेंट पे पूछते हो कि भाई कौन सा थीम यूज कर रहे हो, तो भाई मैं क्लियरली नहीं बता सकता, क्लियरली नहीं बता सकता कौन सा थीम, क्योंकि भाई हर एक वीडियो में अलग थीम यूज करता हूँ। अभी कोडिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है डार्क यूज कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि भाई दिन के टाइम देखो अलग ही वो साइकोलॉजी है, देखो दिन के टाइम मैं डार्क यूज करता हूँ, रात को लाइट थीम यूज करता हूँ, तो उस सिचुएशन और टाइमिंग भी डिपेंड करता है, क्योंकि रात को देखो डार्क होता है ना, अंधेरा होता है, तो वहाँ पर लाइट थीम ज्यादा अच्छा लगता है, डार्क डार्क तो अजीब ही लगता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता, मतलब अलग ही चीज है, समझ रहे हो, अपना है मेरा। तो रात को भाई लाइट थीम अच्छा लगता है, दिन को डार्क थीम अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में देखो दिन में रोशनी है ना, तो डार्क थीम पे ज्यादा फोकस जाता है, क्योंकि देखो तो भाई यहाँ पर साइकोलॉजी इस टाइप से कुछ है कि हर तरफ तुमको रोशनी दिख रहा है ठीक है, लाइट है, तो वहाँ पर डार्क चीज देखोगे तो वहाँ पर तुम्हारा सीधा नजर फोकस बन जाएगा डार्क पे ठीक है। अगर पूरा कोई व्हाइट और वहाँ पर एक तुम ब्लैक मार्क कर दोगे तो भाई वहीं पर तुम्हारा फोकस जाएगा, सिंपल सा साइकोलॉजी। तो रात को क्योंकि अंधेरा होता है ना, मतलब भले रोशनी होता है लाइट जला लेते हो सबको, लेकिन भाई फिर भी मतलब नाइट का टाइम है ना तो अंधेरा होता है ना, तो उस वक्त लाइट थीम फिर रखेंगे तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। तो भाई इसीलिए मैं इस तरीके, तो मैं नहीं बता सकता, बहुत कोई पूछते कमेंट पे, बहुत पुराने पुराने वीडियो मतलब 5 महीने 6 महीने पहले का, तो भाई नहीं हो पाता वैसा बता नहीं सकता ठीक। टर्मिनल पर क्लिक करते हैं और न्यू टर्मिनल पर जाते हैं, भाई वैसा नहीं बता सकता कौन सा थीम भाई, क्योंकि बहुत सारे थीम्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, तो ये शायद मैटेरियल वाई कुछ थीम है, अगर ये पूछोगे तो मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। ये कम्युनिटी मैटेरियल थीम ओशियन हाई कॉन्ट्रास्ट, इतना लंबा सा नाम है ठीक है, तो वही है मैटेरियल थीम इंस्टॉल करो तो शायद उसमें सारा आ जाता है, इसका स्पेसिफिकली ये नाम नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है, जो भी हो। चलो अब इसको इंस्टॉल करते हैं, और ये जो कोड स्टार्टर कोड है ये वही कोड है जो फाइनल कोड था पिछले वीडियो का ठीक है। तो आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखोगे मुझे उससे एक व्यूज मिल जाएंगे, नहीं भाई वो वीडियो देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा, क्योंकि उसको हमने जहाँ खत्म किया था ना वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है, समझ गए। तो उसका फाइनल कोड हमारा इसका स्टार्टर कोड है, क्योंकि उसी को मॉडिफाई करके हम लोग बना रहे हैं ना, इसीलिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली यार्न इंस्टॉल लिखना है, यार्न इंस्टॉल, और साथ साथ में 2-3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार में निपटा देंगे 3-4 स्क्रिप्ट को ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं एंड लिखते हैं, मतलब कि पहले यार्न इंस्टॉल होगा सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर यार्न रन डेव ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, तो फिर हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। तो वेट कर लेते हैं जब तक कि सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल ना हो जाते हैं ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल भी हो चुका है और हमारा यहाँ पे अपना ऐप जो रन भी हो चुका है। अब इसको ओपन कैसे करना है, कीबोर्ड सबको कंट्रोल प्रेस करना है और इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपका ब्राउजर पे स्टार्ट हो जाएगा, कितना सिंपल है ना। अब टाइप करते हैं उससे चाहे यहाँ पर हो गया, अब पता है एक कमाल की बात ये कि हमने जो बैकएंड का क्रिएट कर रखा है ना वो अभी रन हो ही रहा है ना, वो तो मैंने क्लोज नहीं किया, ये देखो है, तो अभी हमारा ये ऐप एक बार स्टार्ट हो जाने दो ठीक है। ये एक बार जैसे दिख जाएगा ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उस तरीके से उसको बनाया कि वो पूरा बैठ जाए, क्योंकि पिछला वीडियो के हमने अपने यहाँ पे स्टार्टर कोड मान के रखा ना, तो ये देखो, तो अभी ये देखो ये आ गया ना, अभी ये कहाँ सा, ये थोड़ी डमी है भाई, ये बैकएंड पे हिट किया, अभी अगर आप वहाँ पर और एक ऐड करोगे ना तो यहाँ पर आपको और एक दिख जाएगा, तो इसी तरीके से सेट है ना। जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं पुराना नहीं देखे तो उनको नहीं समझ में आएगा, मतलब पिछला वाला नहीं देखे, बाकी समझ में आएगा, क्योंकि वही चीज है, वही बैकएंड का वही कोड ठीक है, वही स्ट्रक्चर है। तो अभी क्या करता हूँ ना मैं, देखो एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि देखो मेरा ये है ना 27 इंच का मॉनिटर है ना, तो इसलिए देखो यहाँ पर साइड में स्पेस दिख रहा है, अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा ऐसा स्पेस, आपका पूरा कवर हो जाएगा ठीक है। तो मैं बस यहाँ जूम कर ले रहा हूँ 125% पे, तब देखो इस तरह का आपको दिखता होगा लैपटॉप में ठीक है, क्योंकि मेरा मॉनिटर थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर थोड़ा स्केलिंग का इशू होता है मतलब ठीक है। तो मैंने जूम कर लिया, आपको नहीं करना है जूम ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, तो अभी क्या करते हैं बाकी सारे टैब्स को क्लोज कर देते हैं, बस वो बैकएंड का रहने दे सकते हो आप, ये जो है ये जो इसको रहने दे सकते हो, बाकी पासवर्ड आपने लिख लिया होगा मैं आशा करता हूँ ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, तो इसको यहाँ रहने देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग लेआउट बनाने वाले हैं ठीक है, तो काफी सिंपल है, लेआउट पे पहले फोकस करते हैं, लेआउट को चेंज करेंगे हम लोग ताकि इससे अच्छा लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे। वापस जाते हैं कोड एडिटर पे जल्दी से, और यहाँ पे क्या करते हैं भाई ये अपने आप बन गया, सोर्स पे क्लिक करते हैं, कंपोनेंट्स सॉरी कंपोनेंट्स में app.jsx में जाते हैं ठीक है। तो हमारा जो अभी लेआउट इस तरीके से ना साइड बाय साइड की, भाई इसको साइड बार हमने मान के चला, तो ये साइड बार है नहीं पता है, बट इसको साइड बार हमने मान के चला, और इसको हमारा टेबल ठीक है। तो इसको टॉप टू मतलब ये अब रो वाइज चला रहा है, इसको हम लोग कॉलम जैसा कर देंगे ठीक है।
तो यहाँ पर ग्रिड जो यूज हुआ, ये कॉलम शायद तीन लिया, बाकी ये नौ, तीन और नौ होता है जोड़ के 12, ठीक है, टोटल 12 होता है। तो भी हम लोग चेंज करेंगे, दोनों के लिए 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर app.jsx में आते हैं और यहाँ पर ना जस्ट ये जो है ग्रिड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रिड यहाँ 3 है, तो यहाँ पर मैं 12 कर दूंगा और यहाँ पर भी 12, ठीक है, ये हो गया। और जैसे इसको करेंगे तो देखो इस तरीके से ये 12 ले लिया, तो पूरा स्पेस ले रहा है और नीचे टेबल भी ये ले रहा है। लेकिन दो चीजें भद्दा लग रहा है, पहला कि भाई बैकग्राउंड का जो है ना ये पिंक कलर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और ये एक स्पेस बार यहाँ, सॉरी स्क्रोल बार यहाँ पर ऐड हो गया। दोनों को फिक्स करते हैं, चलो ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स स्टाइल है ना, जो कंटेनर है, उसका हमने हाइट भाई दे दिया था कि ये 100 VH होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देते हैं मीन हाइट, यानी भाई मिनिमम हाइट, सॉरी यार मीन हाइट, बस एज को कैपिटल करते ना, मीन हाइट बोल रहे कि मिनिमम तुम 100 VH रहना, उससे ज्यादा तुम कुछ कितना भी रह सकते हो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोल रहे मिनिमम इतना रहना, मिनिमम 100 VH, उससे ज्यादा जितना चाहे तुम रहो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आ गया, ठीक है, जहां तक बढ़ेगा उतना तक ये पिंक हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका उतना हाइट हो जाएगा, तो भाई ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, इनडायरेक्टली वही मतलब हो। और एक चीज जो भाई यहाँ भद्दा लग रहा है यहाँ पे ये स्क्रोल बार का, तो मेटल यूएम ये चीज होता है, मतलब मेनली तो आपके यहाँ पर क्या करना है ना, विड्थ को 100 VH जो VW दिया सही है, आपके यहाँ पर देना मैक्स विड्थ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबनेस के लिए यूज किया जाता है, यानी मैक्सिमम 100 VW, अगर इससे कम है तो कम में रहे, ठीक है, ये तो ठीक है, हट गया क्योंकि काफी भद्दा लगता है, अब सही है। तो हमारा ये हो गया app.js का फ्रंट, अब इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और कॉम्पोनेंट्स पे जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग साइड बार पे, ठीक है, ये आ गया। तो अभी साइड बार पे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, सिंपल है। तो भाई देखो यहाँ पर हम लोग ग्रिड यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो लेआउट का ना यहाँ पे तो जो तरीका है, आप देखोगे साइड बार में टॉप पे यूज हुआ है, साइड बार का जो मेन कंपोनेंट है ना, आप अगर देख लोगे एक बार गौर से, बॉक्स इससे कोई हमें मतलब नहीं है, इसको पहले इसको बंद करते हैं। स्टैक है, तो भाई मेरे जो स्टैक है ना, स्टैक बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स होता है, और इसका जो डायरेक्शन सेट है वो है तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, कॉलम, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्टूडेंट टाइपोग्राफिक कंपोनेंट था, ये पहला आ रहा है, फिर कॉलम वाइज आ रहा है, देखो ना भाई डायरेक्शन क्या, कॉलम है, बाय डिफॉल्ट कॉलम, इसको हम लोग रो में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक जस्ट प्रॉप देंगे सिंपल सा, डायरेक्शन देंगे, रो, काम खत्म हो गया यहाँ पे, बस थोड़ा सा काम खत्म है, बाकी है भाई, बाकी है, ये देखो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है स्टूडेंट करंट, इसका पहले हम लोग वेरियंट H4 से H1 तक इसको खींच के लाते हैं भाई, कि थोड़ा बड़ा दिखे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो अभी क्या करना है, इसको ना अभी मैं H4 ही रहने देता हूँ, रुक जाओ, इसलिए ना कि मुझे और भी बाकी चीज़ें कैलकुलेशन करना है, रुक जाओ, पहले इस पर फोकस करते हैं, फॉर्म पे फोकस करते हैं। अब भाई फॉर्म पे जो फोकस करेंगे, मैंने आपको ओरिजिनल एग्जांपल दिखा दिया था ना, अब देखो फॉर्म का क्या लफड़ा है, कि भाई अगर मान के चलो दो आइटम है तो आप 6x6 करके दिखा सकते हो कॉलम, क्योंकि 12 होता ना जोड़ के, 4 है तो भाई 6-6 का 2 दिखा दो, या फिर 3-3 का दिखा दो तुम, 4, 3, 4, 12, ठीक है, 8 है, मतलब डिवाइड हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 आइटम है। अब भाई 7 आइटम कहीं ना कहीं एक और टाइप से लगता है, 6 हो तो 3-3 का दिखा दिए, 2-2 का दिखा दिए, वो भी चल गया, ठीक है। तो 7 को कैसे करेंगे, तो पता है एक को ना 12 कर देंगे, बचा कितना 6, फिर बाकी को 4-4 का बांट देंगे, मतलब कि एक रो में 4, मतलब 4-4 कॉलम, तो 4×3=12 होता है ना, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा भाई, बचपन में पढ़ा हो तुम लोगों ने, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग सेट करेंगे, चलो करते हैं। तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे फ्रांस ग्रिड क्या, हाँ ग्रिड इंपोर्ट करके तो रखा हुआ है, नहीं तो मैं पता नहीं, मैंने इंपोर्ट करके पहले से रखा हुआ है, देख लो एक बार, ग्रिड अगर नहीं तो ग्रिड यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है आपके में भी लिखा हुआ होगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो बॉक्स कंपोनेंट है इसको ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं, काफी सिंपल है भाई, यहाँ पे लिखना आपको ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो लास्ट में जो ऑटो क्लोज, मतलब क्लोज हो रहा है, यहाँ पे लिखना है ग्रिड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ग्रिड का जो रो होता है ना, इससे बूटस्ट्रैप नहीं होता भाई, रो और कॉलम, तो ये रो होता है, तो यहाँ पे आपको वैसा नहीं लिखना, आपको लिखना कंटेनर, ठीक है, और जो बाकी इसके अंदर का आइटम्स होंगे वो भी सेम इसी नेम से आते हैं ग्रिड, बस यहाँ पर एक टॉप सबको देना होता है आइटम, ठीक है। और कितना लेगा भाई, तो पहला जो मैंने बोला था ना, पहला 12 लेगा, क्योंकि हम लोग 7 आइटम है ना टोटल, तो काफी और लगेगा, 7 को अपने सजा सकते हैं ना, 6 आइटम को अच्छे से मतलब डेकोरेट कर सकते हो भाई, 7 को नहीं कर सकते, समझे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आइटम में यहाँ पे लिखेंगे MD12, पहला 12, फिर इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना ना, Ctrl+L प्लेस करो और फिर Ctrl+C भी एक साथ प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पेस्ट। तो यहाँ पे पहला तो 12 लेगा, उसका बाकी 4-4 का लेगा, तो 6 चाहिए ना, तो एक हो गया, फिर से Ctrl+L प्रेस करते हैं, Ctrl+C और फिर Ctrl+V एक बार फिर, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया। अब ना यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब पहला में ये पहला कंट्रोलर इसको कट करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है,
तो फ्रेंड्स सिंपली क्या करना कि हर एक ग्रिड में एक एक आइटम को कट करके हमें डाल देना, मतलब कि जैसे टोटल सात है ना, तो सातों सातों को एक करके कट करके हमें इसमें डाल देना। ठीक है, तो पहला को इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, दूसरा को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेकेंड वाले में ऐड कर देते हैं। सॉरी यार इस तरीके से नहीं, अजीब ही हो गया था, अब सही है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसका शॉर्टकट भी है बट मैं श्योर नहीं हूँ काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसे सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा शॉर्ट्स बना के। ठीक है, वो काफ़ी कमाल का, एक बार में सारा पेस्ट हो जाता है, बट जो भी है सिंपल लेते हैं। तो हर एक आइटम को पेस्ट करते हैं। यार इस वीडियो को मुझे फिर से थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ा है, पता नहीं इससे पहले जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें ऑडियो ही नहीं आ रहा था, बाद में देखा भाई ऑडियो नहीं आ रहा, फिर से इस पार्ट को मुझे फिर से मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब लोगों को नहीं पता चलेगा बट ये सीन हो गया अभी मेरे साथ। कोई बात नहीं, तो फिर से पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और बाकी बचा हमारे पास दो आइटम, तो दोनों को एक एक करके कट कर, अरे यार हद है, सिलेक्ट करके कट करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। माउस यार अच्छा ना हो ना तो भाई बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस भद्दा सा रहता है, मतलब माउस मेरा सही है बट इसका शायद पावर का कुछ इशू होगा। फिर इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं, होप कि इस बार ऑडियो इसमें आ रहा होगा, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था इस पार्ट को, भाई बहुत मेहनत लगता है ना बोलने में, और फिर से रिकॉर्ड करो ऑडियो नहीं आया तो अलग ही गुस्सा आता है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, सही लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अपने को स्पेसिंग ऐड करना है। ठीक है, स्पेसिंग यहाँ पे देंगे हम लोग, नहीं तो कितना अजीब लग रहा है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कंटेनर है ना यहाँ पे जस्ट आपको देना है स्पेसिंग प्रॉप, और कितना चाहिए तो मैं 2 देता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 2 काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना इसमें टाइपोग्राफी में मैं यहाँ वेरियंट यहाँ देता हूँ H1 अब देते हैं। ऐसे पहले भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला था बट फिर भी ठीक है। और अभी क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इस बटन को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं और ये जो बटन है प्राइमरी इसको यहाँ से कट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। हो ना भाई सिलेक्ट, यार माउस भी भाई कमाल का, गुस्सा इतना आता है कि भाई माउस को फोड़ दो, काम नहीं करता यार हद है। तो चलो फिर से ग्रिड यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पे यहाँ देते हैं आइटम। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट करते हैं यार, अरे यहाँ पर लिखते हैं MD12। ठीक है, क्योंकि 12 कॉलम लेने वाला है ना तो इसको नीचे आ जाएगा। अब भाई फिर भी बोलोगे भाई ये तो पूरा नहीं लिया, नहीं इसलिए नहीं लिया रहा क्योंकि भाई बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, तो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा क्रॉप्स, उसका नाम है फुल विड्थ। ठीक है, ये सेट कर दिया और ये पूरा स्पेस लेगा। चलो टेस्ट करके देख लेते हैं अभी कि, और टेस्ट करने से पहले भाई यहाँ पे देखो यहाँ दोनों सटा हुआ रहा है, काफ़ी भद्दा लग रहा है भाई, बहुत ही भद्दा लग रहा है। तो अभी उसको कैसे ठीक करेंगे, हम लोग ASX में जाते हैं, जो इसका पूरा का जो इसका है ना कंटेनर टॉप ये बॉक्स है, इसमें ASX यानी स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइलिंग हमने करके रखा। तो यहाँ पे जस्ट MB देंगे, MB यानी मार्जिन बॉटम 2 देते हैं, 2 मतलब 2 नहीं भाई, 2 मतलब 16 PX होगा, क्योंकि भाई बाई डिफॉल्ट स्केलिंग इसका होता है 8, यानी जितना भी दो ना नंबर 1, 2, 3, 4 वो 8 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 16 PX समझ में आ गया। चलो अब एक टेस्ट कर लेते हैं भाई कि सही से हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम करेगा ही बट फिर भी देखते हैं। तो मैं फुल नेम में देता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे दोस्त का मैं नाम देता हूँ यहाँ पर अंकित वर्मा। ठीक है, और ईमेल में मैं उसका ईमेल देता हूँ, रैंडम ईमेल, उसका ईमेल तो मुझे पता भी नहीं है, ankitbhau@gmail.com। फोन नंबर में दे देते हैं रैंडम सा फोन नंबर, और स्टेट में देता हूँ जैसे झारखंड, और सिटी में देता हूँ रामगढ़, पिन कोड में रैंडम कुछ भी पिन कोड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लास में जाऊँ क्लास 1 में पढ़ता। ठीक है, और क्रिएट न्यू स्टूडेंट में करते हैं, ये तो आ गया। अब मान लो मुझे अपडेट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ फिल हो गया, और मैं यहाँ पर अंकित वर्मा की जगह अंकित भाव लिख देता हूँ, अंकित भाव। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं, हो गया अंकित भाव। ठीक है, जैसे टेस्ट करते कि भाई हमने तो बस लेआउट अपडेट किया ना, बाकी सब कुछ सही है, तो देख रहे थे फिर भी कि भाई एक बार टेस्ट करते होता ना, देख लेते हैं चलो काम सेटिस्फेक्शन के लिए भाई, मतलब मिलता है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पिछले बार, और फिर मैंने किसको स्टॉप किया रिकॉर्डिंग से, ओबीएस स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, और मैंने स्टॉप किया, मैं देखा कि चलो सुन के देखते हैं कैसा आवाज आया, क्योंकि मैंने थोड़ा ना अभी नॉइस रिडक्शन का थोड़ा फिल्टर और कुछ कुछ फीचर मैंने ऐड करके रखा है, तो मैं टेस्ट करने सुनते हैं, तो आधा सुन के भाई देखा कि कोई ऑडियो नहीं आ रहा, तो बहुत गुस्सा आता है यार, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता सेम सेक्शन को। तो ये इस तरीके से है, मतलब आशा कि कुछ मैंने छोड़ मतलब कुछ छूटा नहीं होगा, कुछ छोड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट को चेंज किए थे, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग रो फीचर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वो क्या था, जैसे कि मैंने बताया था क्या था यार, मैं भी लिख रखा था, अच्छा ऐड रो एडिट फीचर। ठीक है, याद है, तो रो एडिट फीचर कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना, अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे फिल हो जा रहा है, वही सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी
वो चीज इंप्लीमेंट करने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, टेक्स्ट फील्ड आने वाला है, ठीक है। एचटीएमएल में इसको हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट बोलते हैं, मेटल लॉय में उसको टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट बोलते हैं, ये सारा जो है, ठीक है। तो कैसे हुआ, वापस जाते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर पे, और क्योंकि हमारा जो फॉर्म है इसको क्लोज करते हैं साइड वाले, इसका भी कोई काम नहीं है, ये होम पे जाते हैं, होम पे ही टेबल दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड ये आ गया, टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट सही है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब थोड़ा ना भाई बात ये है कि थोड़ा सी अब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अब देखोगे चेक करोगे तो रिएक्ट टेबल का एक मैंने सीरीज में एक वीडियो बनाया था जहां पर उसमें एडिटेबल सेल के बारे में बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने वाले। अगर आपने वो देखा तो आपको ये चीज इजिली समझ में आ जाएगा, अगर नहीं दिखा था तो थोड़ा सा लगे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो अभी के लिए क्या है, अगर देखें यहाँ पे तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस फाइल पे हमें चेंजेस शायद ही ना करना पड़े। मैं यहाँ से सॉरी यहाँ से टेक्स्ट फील्ड हटाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी। टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अरे यार सिलेक्ट तो हो जा, क्यों मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि जो टेबल हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, बट टेबल का जो कॉन्फिग्रेशन है, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। टेबल का जो कॉन्फिग्रेशन है ना वो हमारा यहाँ पे नहीं है, वो ऐप डॉट जी एस एक्स पे, ठीक है। तो मुझे वो चेक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का हमारा कॉन्फिग्रेशन है, होम डॉट जी एस एक्स में पास हो रहा है, लेकिन कॉन्फिग्रेशन है जहाँ पे कॉन्फिग्रेशन है आप वहां से कंट्रोल करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखो टेबल होम में वो टेबल ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, हम लोग टेबल को रेंडर करा रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई होम फाइल में ये चीज़ हो रहा नहीं, तो यहाँ पे सारा हमारा कॉन्फिग्रेशन है। अब सीन क्या है समझो, हमारा कॉलम का, पहले कॉलम को देखो, कॉलम का हमारा ये रहा कॉलम, ठीक है, जिसमें कि सारे कॉलम्स डिफाइन है अपन के, ये देखो सारे कॉलम्स डिफाइन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ना, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी डिफॉल्ट कॉलम बनाएंगे। डिफॉल्ट कॉलम वो होगा जो हर एक सेल में दिख जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या, तो चलो पहले जल्दी से डिफॉल्ट कॉलम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो जस्ट कॉलम्स के ऊपर पे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो भी आपको सही लगे, तो मैं दे रहा हूँ डिफॉल्ट कॉलम्स, ठीक है, डिफॉल्ट कॉलम, ठीक है। और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और इसमें एक प्रॉपर्टी देते हैं सेल, ठीक है। और सेल में इसमें एक फंक्शन पास हमें देना होगा, फंक्शन असाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स, क्योंकि हमें प्रॉप्स मिलता है यहाँ पे, और प्रॉप्स में बहुत सारा काम का चीज है, लेकिन अभी उसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। और ये एरो फंक्शन होगा, तो सेल प्रॉपर्टी में आपको इसके अंदर एक एरो फंक्शन देना है जो कि रिटर्न करेगा जेएसएक्स या फिर कुछ भी, जैसे कि अगर मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ, एरो फंक्शन है, मैंने कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं करना है यहाँ पर, सिंपली अगर मैं रिटर्न कराता हूँ जैसे कैसे हो दोस्त, ठीक है, कैसे हो दोस्त, देख लो एग्जाम्पल एक देख लो, समझ में आ जाएगा भाई, ये मैंने रिटर्न करा है। अब क्या होगा ना, ये डिफॉल्ट कॉलम इस ऑब्जेक्ट को जिसमें कि ये सेल प्रॉपर्टी है, जिसमें इस प्रॉपर्टी में हमने एक फंक्शन को असाइन किया, तो जब भी किसी प्रॉपर्टी में भाई हम लोग किसी फंक्शन को असाइन करते हैं उसको हम लोग प्रॉपर्टी नहीं उसको मेथड बोलते हैं, बोल सकते हो प्रॉपर्टी भी क्योंकि गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली अगर जाते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं क्योंकि आपने उसमें फंक्शन असाइन कर दिया, ठीक है, मेथड हो गया। तो हमने ये सेल मेथड जो दिया, अब क्या होगा ना कि इस डिफॉल्ट कॉलम ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ टेबल जो ऑब्जेक्ट है ना इसमें पास कराएंगे, और जैसे पास कराएंगे तो हर जगह वो डिफॉल्ट कॉलम के मतलब यानी हर एक सेल में वो चीज आ जाएगा डिफॉल्ट कॉलम, ठीक है। उसको जो सेल हमने असाइन किया ना, समझ लो कि ये सेल हर एक जगह आ जाएगा। अब कैसे आएगा चलो देखते हैं, ये जो टेबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है इस तरीके से, इंटरप्रेस करके डिफॉल्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देना है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कॉलम, जिसमें कि आपको डिफॉल्ट कॉलम देना होता है। अब हमने जानबूझ के वेरिएबल का नाम लिखा डिफॉल्ट कॉलम, सॉरी कहाँ ये रहा डिफॉल्ट कॉलम, ताकि हम लोग एक ही बार लिखना पड़े, आपको पता मैंने समझाया हर एक वीडियो में भाई, डिफॉल्ट कॉलम लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, डिफॉल्ट कॉलम इक्वल्स टू यानी उसका वैल्यू डिफॉल्ट कॉलम, यानी जो वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है। तो क्योंकि जब सेम नेम होता है तो हम लोग एक बार भी लिखते हैं तो चलता है, बात बराबर है, तो सेम इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो दो, एक चीज देख नोट किया, सब जगह एक ही चीज लिखा हो रहा है, कैसे हो दोस्त, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कॉलम में सेल प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट कॉलम ऑब्जेक्ट के अंदर के जो सेल प्रॉपर्टी उसमें हमने मेंशन किया है, जो रिटर्न हो रहा है ना वही चीज सब जगह दिखेगा डिफॉल्ट, ठीक है। तो कैसे हो दोस्त ये आएगा, अभी हम लोग उसको चेंज करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग इसमें चीजें कुछ कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चाहते हैं इनपुट फील्ड टेक्स्ट फील्ड देना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ कंपोनेंट बनाएंगे, इस कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग उस कंपोनेंट को रखेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटेबल फील्ड, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिटेबल और एडिटेबल सेल इस तरीके से, और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉप्स लिख सकते हो, बट यहाँ पर कुछ प्रॉप्स पास नहीं करने वाले, तो ऐसे भी आप इस तरीके से सिंपल एरो फंक्शन देखे और जो है फिर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मतलब कि इस ये जो फंक्शन है
ठीक है, तो यहाँ कुछ पास हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल ये कंपोनेंट है, यानी समझ लो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट होता है ना भाई, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो बेसिक तो चीज है, आप जावास्क्रिप्ट में देख सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन को स्टोर कर ही सकते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग और भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है, अभी के लिए हम लोग कुछ इसको इस तरीके से यहाँ पे बना रहे। अब क्या है, अब क्या है फ्रांड्स, यहाँ से ना जस्ट अभी रिटर्न कराते हैं हम लोग, थोड़ा इसको फास्ट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड को रिटर्न कराते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर वैल्यू जस्ट ऐसे दिख देते हैं कि ऐसे ही इस तरीके से, ठीक है, और अभी इडिटल्स इडिटेबल सेल जो ये कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग अभी रिटर्न कराएंगे डिफॉल्ट कॉलम के अंदर का जो सेल है ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, चलो देखते हैं। तो कुछ एरर आ गया, चलो कोई बात नहीं भाई, एरर भी आ गया तो ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अभी, डील करेंगे क्या एरर, मतलब एरर नहीं वार्निंग आ गया, टेक्स्ट फील्ड इज नॉट डिफाइंड। ओ अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई, टेक्स्ट फील्ड इज नॉट डिफाइंड समझ में आ गया मेरे को। तो भाई हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था ना, वो वहाँ से जब इंपोर्ट किया था और हटा दिया था ना, फिर हमने भूल गया था यहाँ पे इंपोर्ट करने, तो कोई बात नहीं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा कहाँ मेटेरियल भाई, कहाँ गया भाई कंटेनर, ये रहा, यहाँ से करते हैं टेक्स्ट फील्ड ये रहा, अब तो नहीं आना चाहिए, रहा हट जाना चाहिए, तो हट गया, देखो आ गया ना यहाँ पर, ही इस तरह हंसते हुए आ गया, ठीक है, तो ये टेक्स्ट सब में आ गया। उसका जो ओरिजिनल फील्ड नहीं, देखो अब ओरिजिनल वैल्यू नहीं आ रहा है ना, अब उसको भी हम लोग यहाँ सेट करेंगे। तो मैं आपको बोला था याद है डिफॉल्ट कॉलम में कहाँ गया, डिफॉल्ट कॉलम में प्रॉप जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी उसको एक्सप्लोर करेंगे, बट यहाँ से नहीं, हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे ऐसे प्रॉप्स इसको भेज देते हैं, यहाँ पर एक भेज रहे हैं प्रॉप्स, इसका नेम ही दे रहे हैं प्रॉप्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो डिफॉल्ट कॉलम है ना, अच्छा उस तरह से नहीं देखा, और एक तरीके से कर सकते हैं भाई, वो फिर ना डबल चेन तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे प्रॉप्स के अंदर ना बहुत सारे कुछ है, ठीक है, क्या अभी आपको दिखाऊंगा, बट क्या ना कि एक एक करके भेजेंगे, मान लो कि प्रॉप्स के अंदर एक ए नाम का चीज़ है, तो हम लोग अगर भेजेंगे यहाँ पे जैसे ए इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट ए, फिर बी है मान लो कुछ, तो बी इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट बी ऐसे भेजेंगे, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग उसको इस तरीके से ना भेज के इस तरीके से भेजेंगे, ऑब्जेक्ट देना आपको यहाँ पे, ठीक है, और आपको यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है, और यहाँ पे लिखना प्रॉप्स, तो क्या होगा ना एक तरह से एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, और ये जो है तुम्हारा प्रॉप्स के अंदर से जितना भी मतलब प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू है वो एज ए प्रॉप्स चल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, तो भाई अपना इरिटेबल सेल कहाँ गया, ये तो है, और यहाँ पे अगर मैं प्रॉप्स लिख लूँ प्रॉप्स, और ना मैं जस्ट कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कॉन्सोल लॉग प्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया, और इसको चलो देखते हैं, मैं ना डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इतना वो रेंडर होता है ना, ये देखो, तो यहाँ पे देखो सेल आ रहा है, इसमें सेल है, कॉलम है, गेट वैल्यू है, रेंडर वैल्यू है, रोट है, ये टेबल है, ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, दिखाना था, आप जैसे बोल रहे थे कि ऐसे बहुत कुछ है, तो एक्सप्लोर करके दिखा दिया कि भाई इसमें देखो इतने सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी हम लोग इसमें से कुछ चीज यूज करेंगे जितना काम का, जितना नहीं पड़ेगा भाई उतना यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देख लो, यहाँ पे दो चीज अभी लेंगे, एक तो गेट वैल्यू की मदद से हम लोग उस सेल का, उस पार्टिकुलर सेल का हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, पहली चीज, ठीक है, पहले दिमाग में इसको नोट कर लो, इस गेट वैल्यू फंक्शन को, ये जो गेट वैल्यू है ना इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो भाई उस सेल का हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई गेट वैल्यू के बाद हमें यहाँ पर आईडी भी चाहिए होगा, ठीक है, तो आईडी का क्या है कि भाई देखो यहाँ पर रो है ना, मैं दिखाता हूँ अभी, आईडी अभी नहीं चाहिए बताऊंगा, बट अभी नहीं यूज कर लेंगे बाद में, उसका तो काम पड़ेगा ही, उसको भी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। तो रो जो ऑब्जेक्ट है देखो यहाँ पर ना एक रो है, रो के अंदर देखो मैं एक्सप्लोर मतलब इसको ओपन करूंगा ना तो पता नहीं कहाँ दिखेगा ये, देखो ये रहा, बट इसको नॉर्मली दिखते हैं ना, रो के अंदर आईडी आपको दिख रहा है, रो के अंदर यहाँ दिख रहा है आईडी, ठीक है, तो हमें आईडी चाहिए और चाहिए हमें गेट वैल्यू, लेकिन आईडी अभी नहीं चाहिए, ठीक है, सॉरी आईडी नहीं, इंडेक्स चाहिए, ठीक है, इंडेक्स रो के अंदर जो इंडेक्स है ये चाहिए और भाई गेट वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं रहने देता हूँ। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा ये एडिटेबल सेल से, ताकि हम लोग नहीं लिखना पड़े भाई प्रॉप्स डॉट वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं गेट वैल्यू, अभी के लिए गेट वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर रहने दे दो बाद में कमेंट कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इसमें हम लोग गेट वैल्यू को सिंपली कॉल कर देते हैं गेट वैल्यू, तो हमें क्या होगा, हमें इनिशियल वैल्यू इसका मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और मैं देता हूँ यहाँ पर वैल्यू, और क्योंकि भाई इनपुट फील्ड में जाएगा ना तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, तो वैल्यू और सेट वैल्यू, ठीक है, और क्या करेंगे इसका यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट, तो मुझे लगता है यूज स्टेट इंपोर्ट किया हुआ नहीं किया नहीं पता, देखना पड़ेगा यूज स्टेट ये, तो हाँ और नहीं किया तो लिख लेना यूज स्टेट रिएक्ट इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, तो फिर यहाँ वापस आते हैं, तो यूज स्टेट और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या देंगे जो हमने अभी इनिशियल स्टेट में रखा ना, इनिशियल स्टेट में, ठीक है, इनिशियल स्टेट में
ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया था। तो इनिशियल स्टेट वैल्यू में जो हमने कॉल किया गेट वैल्यू को, जिससे हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगा हर एक सेल को, अभी क्या कर रहे हैं एक स्टेट अलग से क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू सेट वैल्यू, और उसमें उस डिफॉल्ट वैल्यू को रख दे रहे हैं, मतलब उस स्टेट का इनिशियल वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं ये इनिशियल वेरिएबल का वैल्यू। तो कुल मिला के बात है कि हर एक सेल का वैल्यू को हम लोग इस स्टेट में क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है ना, वैल्यू में इस तरीके से ही इस तरह से ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस देके और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको सेव करते हैं, चलिए जाके देखते हैं। ठीक है, ओके भाई, बहुत सारा एरर आ गया, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा ये जो कॉन्सोल लॉक किया था ना प्रॉप्स को, लेकिन प्रॉप्स तो हमने हटा दिया ना, डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, तो भाई इसलिए बोल रहा है प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सब अब इसको क्लोज करते हैं अभी के लिए, ये तो यहाँ दिख रहा है ना, तो बाद में देख लेंगे यहाँ से। देखो सब टेक्स्ट फील्ड में सबका वैल्यू आ रहा है, लेकिन भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें ऐसा चाहिए नहीं, चलो वैल्यू आ रहा फिर भी सही है। अभी क्या चाहिए अपने को कि भाई इस तरह से थोड़ी जाएगा, मतलब ये नॉर्मल रहेगा, और जब इस पर क्लिक करेंगे तब ये मोड एक्टिवेट होगा, वो भी किसका होगा, जिस पे क्लिक करेंगे, मान लो इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों का आ जाएगा, नहीं ना, इस पे क्लिक किया, इस पे इसके एडिट पे क्लिक किया तो सिर्फ इसका वाला इस तरीके से दिखना चाहिए टेक्स्ट फील्ड, तब हमने एडिट किया और फिर फाइनल कर दिया, जो भी टिक का बटन आने वाला आगे इसका तो नहीं आएगा। ठीक है, या फिर जब इस पे करेंगे तो ये आएगा, इस पे नहीं, ये नहीं, इस तरह का होना चाहिए ना, इसको एक होगा ना भाई, अगर 10 है तो जिस पे एडिट कर रहे हो वो एडिट मोड पे आएगा ना, बाकी तो नहीं आना चाहिए ना। तो अभी वो भी हम लोग उसमें देखने वाले हैं, लेकिन 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 अभी के लिए एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे ऑन चेन सेट कर देते हैं। ठीक है, जो इसका लोकली ऑन चेंज होगा, ये नहीं कि भाई सर्वर पे भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑन चेंज, ऑन चेंज, और यहाँ पे देते हैं ई एज ए इवेंट ऑब्जेक्ट आता है, और सेट वैल्यू, और देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सुब्रत तूफानी कोडर लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये मेरा बैकएंड में चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पर जो इसका अपना स्टेट ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है हर एक आइटम, हर एक इनपुट फील्ड, तो अपना मेंटेन करेगा, क्योंकि आपको ये देना पड़ेगा, नहीं देखो तो थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, ऑन चेंज इसलिए देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए तो हमने स्टेट क्रिएट किया, समझ गए। और फ्रेंड्स, और एक चीज करते हैं, लेकिन उसका जरूरत ऐसा नहीं है, बट करना सही होगा, मतलब कि अगर मान लो कि एक्सटर्नली किसी तरीके से अगर चेंज होता है ना इसका वैल्यू, ठीक है, किसी भी आइटम का मान लो एक्सटर्नली, ऐसा यहाँ पर कुछ फीचर नहीं है कि एक्सटर्नली चेंज हो, इसलिए आप हो सकता समझ में ना हो, बट मान के चलो कि कोई बटन इस पर क्लिक करने से एक्सटर्नली कुछ चेंज होता है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पे भी चेंज हो जाए, क्योंकि देखो तो यहाँ ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड जो है, इसका वैल्यू है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये एक बार ही आ रहा है इनिशियल स्टेट से, तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पर यूज इफेक्ट लगा देंगे। यूज इफेक्ट होता है कि भाई कुछ भी चेंजेस अगर रिएक्शन होता है कहीं पर, उसको आप ऑब्जर्व करने के लिए, तो यूज इफेक्ट लगाते हैं, और किस पे बेस्ड होगा, वो इनिशियल वैल्यू पे, तो इस तरीके से एरे देते हैं और इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, इनिशियल स्टेट जो भी है इनिशियल स्टेट वेरिएबल पे लगाते हैं, यानी गेट वैल्यू बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनिशियल स्टेट चेंज होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेट हमारा चेंज होता है यहाँ पे, ये जो इनिशियल स्टेट वेरिएबल है अगर चेंज होता है, तो ना क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ तब ना ये फिर से सेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सेट वैल्यू, ठीक है, सेट वैल्यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली सेट वैल्यू हम लोग जो अपना इनिशियल स्टेट है ना उसको दे देते हैं, इनिशियल स्टेट ये रहा, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो मैं थोड़ा वेरिएबल का नेम चेंज कर रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि भाई ऑरिजिनल जो कोड है गिटहब पे डाला, वहाँ पर इनिशियल वैल्यू मैंने लिखा, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ उसको थोड़ा, क्योंकि भाई सेम रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, कि आप भी कन्फ्यूज हो भाई ये क्या था जो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, तो ये लाइन लिखना, ये कोड लिखना, ये तीन लाइन का जरूरी नहीं है, बट मान लो किसी तरीके से अगर एक्सटर्नली चेंज होता है ना कोई चीज़, तो हम लोग इसको सिंक करके रख रहे हैं, यानी कि इधर से भी वो चीज़ अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ इसका मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या सीन है फ्रेंड्स, अब हम लोग चाहते हैं कि भाई जो फील्ड पे बाय डिफॉल्ट इस तरह का ना दिखे, ठीक है, जब इस पर क्लिक करें तभी दिखे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए मैं बोल रहा था कि हमें आईडी इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, चलो वो अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा पीछे से देख लेना अब, और मैं क्लियरली समझाता हूँ, अभी आगे का और कन्फ्यूजन होगा, बट मैं क्लियरली समझाता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो ये ना टेक्स्ट फील्ड नहीं है, मान के चलो नॉर्मली दिख रहा था जैसे पहले था, मान के चलो ठीक है, पहले दिख रहा था ऐसे टेक्स्ट फील्ड, मान के चलो तो समझ में नहीं आएगा, मान के चलो ऐसे नॉर्मली जैसे दिख रहा था ना पहले, टेक्स्ट बेस्ड था, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब भाई यहाँ लॉजिक कैसे लगाना अपने को, कि अपन जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका इस तरीके से दिखना चाहिए, जिस पे क्लिक करेंगे कैसे पता चलेगा भाई किस पे क्लिक, क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा किस पे क्लिक किए, तो जिस पे क्लिक किए उसका कुछ यूनिक चीज है, बिल्कुल है भाई, उसका यूनिक इंडेक्स है। ठीक है, उसका यूनिक यहाँ पर इंडेक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स कैसे पता चलेगा जिस पे क्लिक कर रहे हैं, तो भाई जो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ पर कॉलम्स में ना इस एकदम नीचे आते हैं, और यहाँ पे जो ये आइकन है, यहाँ पे जो आइकन है ना एडिट के लिए, शायद ये आइकन होगा मुझे जहाँ तक लगता है, एडिट के लिए ये आइकन है। ठीक है,
तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, चेंज करेंगे ना तो आपको भी लगेगा भाई क्या हो रहा, नहीं हो रहा, आपको एकदम अजीब सा लगेगा, मतलब होता ना अरे भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपली क्या था पता, ये एक तरह से ये क्या हो रहा था, इस पर क्लिक करने से ना कहने का मतलब ये था कि ये फॉर्म में वैल्यू सेट हो जाता था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो रो डॉट ऑरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट्स हो रहा था, मेथड डॉट रिसेट यानी रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में बातचीत हो रहा था, ये फॉर्म में वो वैल्यू सारा फिल हो जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग एडिट पे करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी हो, ठीक है। अब इसको सेव करके भी देख सकते हैं, मतलब एक तरह से कि भाई अब अगर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्म में कुछ भी सेट नहीं हो रहा, पहले हो रहा था ना, तो इस क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। तो मैं ना पीछे की चीज़ें भी साथ में आपको रिकॉल कराता चल रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई कहीं से कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से कुछ बता रहा है, वीडियो समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली ऑन क्लिक फिर से लगाएंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे देंगे हम लोग इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन यानी बिना नाम वाला फंक्शन, और यहाँ पे देंगे सिंपली अभी हमें इंडेक्स चाहिए, मैंने बोला था ना जिस पे भी क्लिक करते हैं इंडेक्स मिलता है, तो वो कैसे मिलेगा अभी उसके लिए ना यहाँ पे अभी अभी थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहे, रुक जाओ, अभी एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि उस इंडेक्स को हम लोग स्टोर करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ एक स्टेट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट एडिटेबल, सॉरी एडिट सिलेक्टेड, एडिट जो मन करे सो लिख सकते हो, ठीक है, एडिट सिलेक्टेड स्टेट, ठीक है, सॉरी एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, और फिर लिखते हैं सेट एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, ये लिख दिया, और यहाँ पर यूज स्टेट देते हैं, ठीक है, और यूज स्टेट ये वैल्यू देते हैं नल, नल यानी कुछ नहीं, नल का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, शून्य है जिसको बोलते हैं, मे बी वही बोल सकते हो, मतलब कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स दे दिया, अब ना वापस जाते हैं, यहाँ तो वो रेड मार्क दिखा रहा है, कैसे देख रहे हो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर वापस आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना उस स्टेट में सेट कर देंगे, तो भाई काफी सिंपल है सेट करना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सेट एडिट सिलेक्टेड, भाई पॉपअप में भी नहीं आ रहा, क्या मजा क्या, सेट एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, ये लिख दिया, और हमें वो इंडेक्स देना। तो भाई मैं आपको दिखाता, याद है रूम के अंदर एक इंडेक्स और आईडिया था, मतलब दिखाया था ना, चलो फिर से दिखाता हूँ, नहीं तो बोलोगे भाई सुब्रत तो तुम बता तो देते हो यार, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब मैच नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करता है, रूम में देख रहे हो, रूम में क्या है आईडी और इंडेक्स, इंडेक्स देख रहे हो, ये रहा इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो भाई, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट उस फॉर्म में मिल रहा, मैं तो आपको दिखाया था कहाँ पर दिखाता, डिफॉल्ट कॉलम में दिखाता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना मैं, ये तो कॉलम के बारे में, लेकिन ऑब्जेक्ट वही आपको मिलता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर रो हमने प्रॉप्स यहाँ पर मिल रहा था, प्रॉप्स को हमने डी स्ट्रक्चरिंग किया था, ठीक है। तो रो और टेबल निकाला, वही सेम चीज यहाँ पर भी मिलता है, हालांकि ये उसका नहीं है बट सेम ही ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वहाँ पे भी रो मिलता है, रो को हमने देखो डी स्ट्रक्चरिंग किया था, तो रो के अंदर से क्या हमें चाहिए इंडेक्स, तो हम लोग लिखेंगे रो डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये सेव करते हैं, और यहाँ पे टेबल आ गया। अब अगर आप देखोगे भी ना यहाँ पे कंपोनेंट सेक्शन पे, मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए बट ऐसे फिर भी चलो, मतलब एक कंफर्मेशन नल दिखा रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई जीरो आ गया, इसके इंडेक्स जीरो था इसलिए जीरो सेट हो गया, हुआ इस पर क्लिक करता हूँ वन हो गया, फिर क्लिक करता हूँ जीरो, क्या हो गया भाई अच्छा हो रहा है मुझे लगा भाई वन, ठीक है ये तो जीरो, तो थोड़ा यहाँ अपडेट होने में शायद टाइम लगता है, ऐसा नहीं, मुझे लगा भाई हो ही नहीं रहा, क्या मजाक है, अचानक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस तरह का एरर आ जाए, दिक्कत है, ठीक है। क्लिक किया भाई वन हो जा, एक बार देख लेता हूँ जीरो, फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है हो रहा ऐसा नहीं, मुझे लगा भाई हो ही नहीं रहा क्या, चलो भाई सही है, चलो हो गया, हमें तो मतलब पता चल गया कि भाई कौन सा इंडेक्स, कौन सा मतलब इंडेक्स एडिट के मोड पे भी आने वाला है, ठीक है, पता चल गया। अब इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, देखो इसको हम लोग यूज करेंगे ये जो हमारा एडिट सेल कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखो रिटर्न हो रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो गेट वाले जो डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो वहां से क्या आ रहा था, रो आ रहा था ना, रो के अंदर से इंडेक्स आ रहा था ना, दिखाया था ना मैंने अभी, तो इस तरह से रो लिखते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा रो डॉट इंडेक्स, लेकिन इसको मतलब और एक लेवल पे भी जाके, देखो मैं ना इस वीडियो के बाद भाई डिस्ट्रक्चरिंग का एक डीप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट मैंने वीडियोस बना के रखा हुआ मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस मैंने नहीं बनाया, मतलब जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है कि मुझे लगा चलो होगा, तो बहुत लोगों ने भाई मतलब बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, मतलब उसमें से एक थे जो रिसेंटली मेरे वीडियोस देखे, उन्होंने बोला भाई जॉब लगा मेरा नया और ना मुझे डिस्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आ रहा, काफी कमाल का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है डिस्ट्रक्चरिंग, और बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, चाहे रिएक्ट हो या कहीं पर भी मैंने देखा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब लेवल पे यूज होता है, हर जगह यूज होता है, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, कहीं पर भी यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद मैं डिस्ट्रक्चरिंग का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने रो को डिस्ट्रक्चरिंग किया, यानी उस ऑब्जेक्ट से हमने रो को बाहर खींच के निकाला और एक वेरिएबल नेम बना दिया रो, ठीक है, लेकिन हम लोग रो के अंदर भी और घुस सकते हैं, रो के अंदर क्या था इंडेक्स था, ठीक है, तो लोग उसके अंदर से इंडेक्स को भी निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, रो के अंदर रो प्रॉपर्टी जैसा फॉर्म में लिखना होगा और ऑब्जेक्ट इंडेक्स देके भाई मेरे यहाँ पे इंडेक्स इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है,
इस तरीके से। तो आपने क्या किया और एक लेवल पर डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया। आपको लिखना नहीं होगा रो डॉट इंडेक्स, ठीक है, पहले तो प्रॉप्स डॉट रो लिखना था, उसका हमने डिस्ट्रक्चरिंग करा दिया तो रो डॉट इंडेक्स लिखना था, अब आप सिंपली डायरेक्ट इंडेक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स मिल गया यानी ये लूप चलेगा ना भाई मेरे, समझो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी के लिए टेबल में दो आइटम है, ठीक है। अब मान लो 100 है, ऐसा मान के चलो कि 100 यहाँ पर, 100 हमारे पास 100 रोज है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह, सुब्रत तो दिखा रहा, अंकित दिखा रहा, मनोज, सूरज, इस तरह से दिखा, मान लो 10 या 100 है मान लो, हर एक बार चलेगा और हर एक बार चलेगा तो हर बार ये रिपीट होगा, और हर बार रिपीट होगा तो इसको हर बार क्या है, हर बार नया नया इंडेक्स मिलेगा, सिंपल है, हर बार इसको अपना अपना हर एक का इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। अब मान लो, मान के चलो यूजर ने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसका क्या इंडेक्स था, 0, इंडेक्स क्या था, 0, ध्यान समझना, इसका इंडेक्स क्या था, 0, ठीक है। और जब यूजर ने क्लिक किया इस पर, ठीक है, सेट एडिट इंडेक्स, यानी ये जो से एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स, इसमें क्या सेट हो गया, 0। अब हम लोग कंपेयर करेंगे जो इसका इंडेक्स है और जिसमें यूजर ने क्लिक किया उसका क्या सेम है, अगर सेम है तो टेक्स्ट फील्ड दिखाओ, अगर सेम नहीं है तो भाई सिंपल दिखाओ। इसका मतलब क्या मतलब हुआ, सेम कैसे नहीं है भाई, सेम ऐसे नहीं है कि जब सेकंड वाले पाया, मान के चलो दो ही है भाई, मान के चलो दो ही है, चलो ठीक है, ऑरिजिनल लेते, सेकंड वाले अंकित भाव जो मेरा दोस्त है इसका आ गया, ठीक है। अब इसका जब आया, इसका इंडेक्स क्या था, 1 था, बराबर है, इसका इंडेक्स यूजर ने जब यहाँ पे क्लिक किया तो एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स में क्या आया, 1 आया। लेकिन जो ये जो हर एक आइटम, हर एक बार जो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, हर एक बार ये चल रहा है, तो सेकंड बार में इसका इंडेक्स क्या था, पहला बार में इसका क्या था, 0, और हमारा एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स 1 था, क्योंकि यूजर ने क्लिक किया इस पे, तो 0 के 1 से मैच करता है, तो नहीं भाई, तो ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिखेगा, अभी नहीं किया बट ये दिखेगा। सेकंड बार में फिर आता है, नेक्स्ट वाला आता है, यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना था, 1, तो इसमें तो मतलब यूजर ने क्लिक किया इसमें 1 था, और ये जो लूप मतलब हर एक रेंडर में ये आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो इसका भी उसमें सेकंड बार में 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो हाँ भाई, तो फिर टेक्स्ट दिखा दे। तो इस तरह कुछ यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, तो वही लगाते हैं यहाँ पे, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, अगर मैच करता है तो ये जो है ना, ये रिटर्न हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है, और अगर नहीं मैच करता यानी नॉर्मल है तो भाई इल्स लिखते हैं और रिटर्न करते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट यानी भाई जो गेट वैल्यू हमने किया था ना, यानी उस सेल का वैल्यू भाई, सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्म में, सिंपल है भाई। अब चलो देखते हैं, ये देखो, ठीक है। अब बोलो भाई इसका कैसे दिख गया सुब्रत, तो भाई इसका तो हमने कभी क्लिक किया नहीं भाई, क्लिक किया था और उस पर सेट है भाई, इंडेक्स 1 सेट है, देखो मैं दिखाता हूँ अभी, कमाल ये मे भी इंटरेक्टिव हो, इंटरेक्टिव क्या कहने का क्या मतलब है, चलो दिखाओ, मैं आपको समझाता हूँ इंटरेक्टिव का क्या मतलब, देख तुले कॉम्पोनेंट में जाते हैं भाई, आ जा भाई जल्दी आ जा भाई, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, जल्दी आ जा, ये ऐप पे जाते हैं, ठीक है, लोडिंग ले रहा है भाई, आना जल्दी, कितना लेट करेगा, आ गया। देखो इसका 1 सेट है ना, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे थे ना, याद है, अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूँ ना 1 0, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, मे बी ये हो नहीं हो मुझे नहीं पता, इंटरेक्टिव है या नहीं है, मे बी पता नहीं यार, काम करता है नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर नल भी लिख दूँ, पता नहीं भाई, मे बी ये, अगर इस पर क्लिक करके देखते हैं, छोड़ो क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर नल लिख दूँ, अच्छा इस पर ऐसा नहीं होता, पता नहीं इंटरेक्टिव, क्योंकि व्यू जिसमें होता है ना इंटरेक्टिव रहता है, यहाँ का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, या फिर हो सकता है हमारे कोड में कोई इशू, भाई हैंग कर रहा है क्या, देखो इधर नहीं आ रहा है, रुक जाओ मैं इसको एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने रिलोड किया ना तो वो चीज़ हट गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद भी नहीं हो रहा है, हाँ कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव होगा लेकिन हमारे कोड में कुछ इशू आ रहा है मे बी, तो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे एक बार समझना है यहाँ पे। ओ अच्छा भाई मेरे, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत वो डीप कॉन्सेप्ट है। और पता है ये चीज़ नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको बहुत ही मतलब बहुत ऐसा नहीं कि इसको मैं सॉल्यूशन खोजने लगा स्टैक ओवरफ्लो पे, क्योंकि पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको एक चीज़ समझा, मतलब ऐसा होता है ना, रिएक्ट सिखाऊं तो कुछ ना कुछ माइंड में भरा हुआ कॉन्सेप्ट भाई ऐसा होगा कुछ, तो कहीं ना कहीं सोचने के बाद समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा, ठीक है, बताता हूँ। तो भाई ना ये चीज़ को मैं उतने अच्छे से आपको नहीं बता सकता, मतलब बताऊंगा लेकिन उतने डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि देखो रिएक्ट में एक चीज़ है यूज मेमो और यूज कॉल बैक करके कोई चीज़ होता है, ठीक है। तो यूज मेमो में क्या होता है ना कि वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, और कहने का मतलब वो चीज़ ना उसके अंदर वो फिर से रिकैलकुलेट तब करता है जब उसका उस किसी चीज़ पर डिपेंड कर दोगे उसको, और उस डिपेंडेंसी पे वो चीज़ अपडेट होगा ना, मतलब उस चीज़ पे जब डिपेंड होगा तब जाके वो चीज़ मतलब वो फिर से कोड को मतलब उस कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा और रीकैलकुलेट करता है उस फंक्शन को, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगा भाई, यूज मेमो और यूज कॉल बैक पे रिएक्ट का ही फीचर है। तो क्या करेंगे ना, देखो मैं चीज़ें यही रहने वाला, मैं यहाँ से लास्ट से सेमीकोलन यूज कर देता हूँ बस, ठीक है। ये जो है इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, ठीक है, और उसको कट कर लिए, ठीक है, कंट्रोल एक्सप्रेस करके। अब यहाँ पर आपको लिखना है यूज मेमो, होप कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करने से हो जाए, और मुझे बाद में समझ में आया था जब मैं मतलब इसको बना रहा था ना,
स्टार्टिंग बहुत कंफ्यूजन था भाई, हो क्यों नहीं रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है। यूज मेमो देते हैं और यूज मेमो में क्या है कि आपको एक एरो फंक्शन देना होता है, समझ लो एरो फंक्शन जो कि आपका उस कोड को रिटर्न करेगा। तो हमारा कोड हमने क्या किया था, कंट्रोल एक से कट कर लिया था ना, यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, पेस्ट हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक कॉमा देना और आपको यहाँ पर एक एरो पास करना, ठीक है। तो यूज मेमो जब आप कॉल करते हो तो सिंपली आप एरो फंक्शन देना और आपको अपना कोड को पास कर देना, उसके बाद कॉमा देके सेकंड पैरामीटर में एक एरे देना और एरे में पास करना और डिपेंडेंसी देना कि भाई क्या चेंज होगा जो इस फिर से रिकैलकुलेट करेगा, क्या चेंज होगा मतलब किसके बेस पे, ठीक है, किस चीज अगर कुछ चेंज हो गया, रिएक्शन टाइप से नहीं होता भाई, केमिस्ट्री में जैसे होता है, तो क्या चेंज होगा जिसकी वजह से ये फिर से रिकैलकुलेट होगा, वो हमारा एडिट सेलेक्ट इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडिट सेलेक्ट इंडेक्स क्या नल है, ठीक है, उसको सेव करते हैं। और ये ना मेरे को बहुत कोशिश करने के बाद समझ में आता है, अरे भाई ये सीन है, क्लिक करके देखते हैं भाई, अभी भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जस्ट करना था हमें, बाकी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इशू होगा, एरर भी आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, बट मैं फिर से देखता हूँ कि भाई क्या इशू, लेकिन ये चीज़ इंप्लीमेंट ऐसे भी करना था, ठीक है। अच्छा इस पर जब क्लिक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉम्पोनेंट पे, रुक जाओ, स्टेट जीरो आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो स्टेट वन आ रहा, ठीक है, इस पर जीरो आ रहा, मतलब स्टेट सही से सेट हो जा रहा है, ठीक है, स्टेट से अपडेट हो रहा, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक चीज यहाँ पर देखते हैं। अच्छा अच्छा और एक चीज भाई, और एक चीज, रुक जाओ, अभी याद आया, यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स को हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, कब पता है, जब हमारा चेंज होगा, मतलब जब हमारा यहाँ पर भी इसका डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, एडिट सेलेक्ट एडिट सेलेक्टर। ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई, इजी है, यूज मेमो और यूज कॉल बैक काफी कमाल का फीचर है, और यहाँ पे ये चीज ना कनेक्ट होता है, ये टॉप कॉन्सेप्ट तुम्हारा री रेंडरिंग के लेके, कंपोनेंट किसके बेस पर री रेंडर होगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग सकता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कोई चीज, लेकिन भाई मैं समझाऊंगा अलग से वीडियो बना के। तो ये जो है ना, ये जो कॉलम्स है, जो सिंपली हर एक कॉलम है ना, ये कॉलम्स जो है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसका इस पे मैंने डिपेंडेंसी ऐड करके रखा है, अभी डिपेंडेंसी हमने ऐड कर दिया, एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, यानी जब एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा ना, जब यूजर क्लिक करेगा तो कॉलम्स भी रिकैलकुलेट होगा, वो देखो इस बार ये हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको मानने नहीं बोल रहा हूँ कि ये करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को लॉजिक समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उस कॉन्सेप्ट को 50-80% सीखा है, क्योंकि भाई उसको पूरा सीखा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे कहीं नहीं लगा कि भाई उसको कोई रियल वर्ल्ड में काम होगा, लेकिन अभी काम आ रहा है, तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि जब भी समझ लो, बेसिकली समझ लो कि जब भी एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा या सेट होगा, बाय डिफॉल्ट नल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भाई इसको प्रिंटआउट करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे यहाँ नल है, ठीक है। और क्या हुआ ना, एक लम सम मोटा मोटी हिसाब में समझाता हूँ क्या सीन हो रहा है, कंपोनेंट पूरा रेंडर हुआ, ठीक है, हर एक के लिए सब भी फंक्शन वंक्शन सारा कुछ आ गया। अब जब आप इस पर क्लिक कर रहे थे ना, जब नहीं आ रहा था, मान के चलो नहीं आ रहा था, ठीक है, जब क्लिक किए तो इसका तो वन नल से जीरो हुआ, अब जीरो हुआ ना, तो भाई उसके बाद इनको कोई कॉलम्स को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कॉलम्स और डिफॉल्ट कॉलम का जो ये सेल आईडी है, इसको कोई मतलब नहीं, घंटा इन लोगों को मतलब नहीं, भाई क्या हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब मार्केट में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको मतलब कब होगा, जब आप ना इसको यूज मेमो के अंदर डाल दोगे, तो यूज मेमो में ऑलरेडी ये डाला हुआ था, बट इसका डिपेंडेंसी एम्प्टी था, तो हमने दे दिया एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, यानी कि ये फंक्शन फिर से रिकैलकुलेट होगा, समझ लो इस तरह से, लो ये ना फिर से रिक्रिएट होगा, ऐसे समझ लो, फिर से ये रिक्रिएट हुआ, फिर से भाई इसने सब कुछ फिर से करना शुरू किया, हाँ, और जब फिर से करना शुरू किया ना, तो यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे ये कॉलम जो भी ये स्टेट था ये फिर से हुआ, ठीक है, तो जब भी मतलब जब भी ये चेंज हुआ तो फिर से ये कॉलम्स रिकैलकुलेट होगा, ठीक है, और जब भी रिकैलकुलेट होगा तो भाई डिफॉल्ट कॉलम तो इसको देना है, तो हमने क्या किया, डिफॉल्ट कॉलम का भी अब जो था सेल एडिटेबल सेल, इसमें भी हमने यूज मेमो सेट करके रखा है, ठीक है, और ये यूज मेमो इस पर रखा है, तो भाई ये भी फिर से रिक्रिएट कब होगा, जब एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा, यानी जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो यूजर एडिट सेलेक्टेड इंडेक्स हमेशा चेंज होगा, ठीक है, और जब चेंज नहीं होगा तो फिर कुछ भी फिर से नहीं होगा, जैसे फिर से क्लिक किए तो ये नहीं होगा, मतलब फिर से रिक्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वही है, जब ये चेंज होगा ना तब जाके ये होगा, मतलब फिर से रिक्रिएट होगा। तो यूज मेमो और यूज कॉल बैक जो है, ये दो रिएक्ट का ही हुक्स है, और थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगता है, बट उतना ज्यादा नहीं है, मतलब उतना ज्यादा ये नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, काफी सिंपल है, तो अलग से वीडियो आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया, तो इस तरह का इशू आता है। तो अभी इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखो ये आ गया, ये नॉर्मल टिक्स हो गया, क्योंकि मैंने बोला था ना कि भाई वो चेक होगा, तो हर एक बार वो रिक्रिएट हो रहा है और वो मतलब फिर से कैलकुलेट कर रहा है, तभी ये चीज हो पा रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, और भी आइटम रहता तो इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर हमने इंडेक्स मतलब रो रीड फीचर को ऐड कर दिया सक्सेसफुली, सब कुछ सही है, ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है जो ऐड करना है। अच्छा और एक चीज मुझे लगता है यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन वो अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड करेंगे, इस स्टेप के लिए यहाँ तक ये कंप्लीट है, ठीक है।
हाँ तो फ्रेंड्स को भी हम लोग और इंटरेक्टिव बनाएंगे, यानी इस पर जब क्लिक करें ना तो भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं। तो इस पर जब क्लिक करें तो यहाँ पे दो बटन आएगा, या टिक मार्क यानी कि भाई हाँ मतलब यस या नो, ठीक है, और ये हट जाएगा, कैंसिल करते फिर वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं क्या होता है भाई, ये चीज तो एक्टिव मोड पे आ ही जाता है, प्लस यहाँ पे ना जब क्लिक करते हो तो एक चीज होता है एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स सेट हो जाता है, नल से कोई भी जो भी उसका इंडेक्स है वो सेट होता है, ठीक है। उसी का यहाँ पे फायदा उठाना, उसी के बेस पे यहाँ समझना चीजों को, उसी के बेस पे सेट करना है। तो ये आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये रहा, ठीक है, यहाँ पे जो इन आई, अब इसको ना मैं यहाँ यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, जो कमेंट किया था मतलब यार रहने दो या फिर जो भी है, अब इसको रखने कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि उसका क्या यूज था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ रिटर्न हो रहा ना, तो रिटर्न यहाँ पे जो हो रहा है भाई मेरे, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पर एक करली ब्रेस देता हूँ, और ना मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एडिट एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स जो है इक्वल्स टू, मतलब इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, डबल इक्वल्स टू देखें रो डॉट इंडेक्स, सेम उसी तरीके से वहां पर जैसे हमने किया था ना कि भाई अगर मैच कर रहा है तो तुम मतलब टेक्स्ट फील्ड लिखा, और मैच नहीं कर रहा तो सिंपल इनिशियल स्टेट सेट दिखा दो, वही चीज सेम, ठीक है। यहाँ पर वही कर रहे हैं कि भाई एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स का अगर मैच कर रहा है इसके साथ रो इंडेक्स का, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो उसके लिए कुछ करना है, और अगर नहीं मैच कर रहा तो उसके लिए कुछ करना है, अगर मैच नहीं कर रहा तो भाई उसके लिए तो यही चीज है, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मतलब कट कर लेते हैं, और यहाँ पे ना फिर से हमें देना होगा फ्रेगमेंट, इस तरीके से देना होगा, और तरीके से इसके अंदर हमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह दिख रहा है एरर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर जो अगर मैच करता तो उसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा ना, इसलिए एरर, टेंशन मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देते हैं इस तरीके से फ्रेगमेंट देते हैं, क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड इसका होने वाला है, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करते हैं देखो, तो अगर एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स के साथ रो डॉट इंडेक्स मैच कर जाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मैच कर गया ना तभी तो ये दिख रहा है, तो मैच करता तो यहाँ पर हम लोग आइकन को चेंज करने वाले, तो हम लोग यहाँ पर आइकन बटन देंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर वही सेम चीज देता हूँ, आइकन बटन इस तरीके से देते हैं आइकन बटन, और मैं यहाँ पर आइकन बटन दो यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। और ना यहाँ पर पहला जो होगा चेक आइकन होगा, चेक आइकन हो सकता है हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया तो एरर आ जाए, बट हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, इसका कलर देते हैं सक्सेस, यानी ग्रीन कलर का दिखेगा, होता है ना यस नो, तो भाई ग्रीन यानी उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकली वही मतलब निकलता है ना कि हाँ भाई यस है, और जो नो होगा उसके लिए हम लोग देते हैं यहाँ पर क्लियर आइकन, क्लियर आइकन, और जिसका मैं कलर देता हूँ तुम्हारा एरर, ठीक है। एरर जब लिखते हैं ना तो भाई वो ये एरर का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, यहाँ डेंजर कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं, ये इसका जो थीम ऑब्जेक्ट होता है ना वहाँ पर वो होता है सक्सेस एरर वार्निंग प्राइमरी, तो उसके हिसाब से उस की के हिसाब से वो कलर सेट कर देता है, समझ रहे हो। तो अगर इसको सेव भी करूँगा तो मुझे लगता है एरर आ जाएगा हाँ क्योंकि हमने उसको इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है। चलो इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और कोई आइकन शायद ये रहा, किसी भी एक आइकन का ना कंट्रोल एल प्रेस करके और कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो बार, तो दो यहाँ पर पेस्ट हो गया, और मैं ना इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल डी प्रेस कर लो, ठीक है। नहीं भाई नहीं हुआ, लेकिन ये होना चाहिए था, मतलब ये नीचे वाला हो रहा है जबकि इसको बगल वाला होना चाहिए, जो भी है यहाँ पर अल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर, मतलब एक बार क्लिक नहीं तो हमने किया यहाँ पे, और अल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इस तरीके से मतलब दोनों को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला था हमारा क्या था, चेक आइकन, तो यहाँ लिखते हैं चेक आइकन, चेक आइकन ये हो गया, और सेकंड क्या था, फिर सेकंड में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर अल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करते हैं, तो और एक साथ ही हम लोग दोनों को एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी कमाल का है। और दूसरा था हमारा क्लियर आइकन, क्लियर आइकन, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जाके भाई क्लियर आइकन, ओ सॉरी भाई यहाँ पे ना कुछ चेंजेस यहाँ पर हो गया था, मेटेरियल सॉरी आर आई एल ऑफ स्लैश उसके बाद, ठीक है, देखते हैं भाई क्या इशू हो गया, फेल टू रिजॉल्व आइकन, सही तो है, अच्छा 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 रुक जा यहाँ पे ना आइकन ही लिखना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली उस आइकन का बस नेम जाएगा, होप इस बार ये हो जाए, डायरेक्ट कॉपी कर लेने से अच्छा होता, बट पता नहीं है उसका वेबसाइट काफी स्लो चलता है यार, मतलब आइकन के केस में वाकई सही है। और तो फ्रेंड्स ये रेंडर हो चुका है, चलो अब देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये तो आ गया, ठीक है, टिक या कैंसिल का, लेकिन किसी पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा, जैसे इसका तो बात का ही बात है भाई, इसमें तो कुछ ऐसा होने का नहीं है, बट अभी के लिए बस इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सेट कर देते हैं तुम्हारा कि अगर मतलब इस पर क्लिक करने से भाई ओके, ये तो बैकएंड का काम है कि मतलब इस पर क्लिक करने से वो बैकएंड में भी जाके हिट करे और वो सब कुछ सेट हो जाए, बट अभी के लिए क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इस पर क्लिक करने इसका तो हम लोग फंक्शन अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करने से ना सिलेक्टेड इंडेक्स को नल कर देंगे, जब नल कर देंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड इंडेक्स अभी ऑन है तभी ये दिख रहा है इस तरीके से, नल कर देंगे तो हट जाएगा। तो इसका अभी तक इंप्लीमेंट कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, और यहाँ पे कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका आइकन बटन जो है, आइकन बटन में लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू, काफी सिंपल इस तरह से बिना नाम के फंक्शन देंगे और लिखेंगे सेट एडिट सिलेक्टेड। आ जा भाई पॉपअप में, आ जा, वेट कर रहा हूँ, आ जा भाई। सिलेक्टेड इंडेक्स नल, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी क्लिक करेंगे ना इस पर तो वो हट जाएगा, ठीक है। ये देखो इस पर क्लिक किया, क्या हट गया, ठीक है, इस पर क्लिक किया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मतलब वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है जैसे मैं बोलता हूँ लास्ट में, मतलब आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होप यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मतलब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे आप लिख दो, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा या जो भी है हेल्प कर दूंगा। अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा कि भाई कुछ स्क्रीनशॉट है, मतलब होता है ना कि एरर कुछ ऐसा कुछ आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पर @tufanicoder पर DM कर दो, मैसेज डाल दो स्क्रीनशॉट के साथ, तो मैं आपको वहाँ पर भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मतलब जल्द से जल्द। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डायनेमिक एडिटिंग फीचर को और मतलब आगे और बढ़ते जाएंगे। तो अभी क्या करना है एक चीज समझते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। जो लोग पिछले वीडियो देखा ना उनको और इसलिए समझ में आ जाएगा, बताता हूँ। देखो क्या सीन है, अभी इस पर क्लिक अगर करते हैं, जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। तो भाई अगर ये आ गया, ये इंडिविजुअल टेक्स्ट फील्ड कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको कोड एडिटर पर दिखाऊँ समझ में आ जाएगा। मैंने फॉन्ट साइज को काफी बड़ा करके जूम करके रखा है, तो आपको इस बार अच्छा लगेगा, मतलब पहले के मुकाबले में, तो लोग बोलते हैं काफी छोटा दिखता है। ये जो एडिटेबल सेल, ये क्या है एक्चुअल में, ये भाई टेक्स्ट फील्ड रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो, टेक्स्ट फील्ड रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमें टेक्स्ट फील्ड रिटर्न नहीं करना, क्यों पूछो, क्यों भाई, सब कुछ सही है, लेकिन हम लोग क्योंकि रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रहे हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रहे हैं। और अपडेट वाले केस में जब पिछला वीडियो था, जो पहला वीडियो था, हम लोग क्या किए थे, हम लोग कंट्रोलर कंपोनेंट यूज किए थे ना, मतलब रिएक्ट हुक फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, याद है, वहां पर हम लोग कंट्रोलर कर रहे थे। या फिर देख लो ना यहाँ पे साइड बार में देख लो, हम लोग इनपुट हुक को कैसे यूज कर रहे हैं, ये देखो कंट्रोलर कंपोनेंट के अंदर, उसमें रेंडर प्रॉप्स दे रहे हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, एक पैटर्न है, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पर भी हम लोग को इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसको रिएक्ट हुक फॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो फिर हम लोग उसको मतलब रिएक्ट हुक फॉर्म में रहेगा, फिर तभी तो सारे डेटा को कैप्चर कर पाएंगे ना, और फिर तभी तो फिर सारे डेटा जब कैप्चर होगा तो सिंपली अपडेट कर देंगे। अपडेट का फंक्शन मुझे ज्यादा लगता है ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि पिछले वीडियो में तो सारा कुछ था। अगर यहाँ पे देखे टेबल 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 कहाँ गया भाई, ये रहा मेट, अरे भाई थोड़ा नीचे हो जाओ यार, हद है, एक सेकंड रुकना यार, मेरे को शायद वीडियो पॉज करना पड़ेगा, ये माउस का इशू है या फिर मतलब हो सकता है यार, माउस का होता है ना बैटरी वगैरह लगते हैं, तो वो शायद उसका बहुत पुराना हो गया होगा, तो इस तरीके से ये पागल जैसा हरकत करने लगता है, मतलब थोड़ा जी भी है, ठीक है, जो भी हो, चलो अभी सब कुछ सही है, स्टेबल है। तो मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये रहा मेटा, ठीक है, मेटा ऑब्जेक्ट, मेटा प्रॉपर्टी में जो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा है, जिसमें कि हमारे पास फंक्शन है ऐड अपडेट, क्या हो रहा है, ऐड अपडेट और उसका है, मतलब ऐड का जो भी हो, मतलब मैं आपको दिखा रहा था ना, तो सिंपली ऐड का है, अपडेट का है और डिलीट का, ठीक है, तीन फंक्शन है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी मैंने वीडियो को पॉज करके रखा था और नया बैटरी परचेस करके लगा, कीबोर्ड में लगाया हूँ, तो मे बी मतलब अब लगता नहीं होगा उस तरह का इशू, ठीक है, जब बैटरी इसका कम रहता है पता नहीं तभी ऐसा होता, ठीक है। जो मैं दिखा रहा था मेटा के अंदर, देखो ये ऐड स्टूडेंट है, अपडेट स्टूडेंट है, डिलीट स्टूडेंट, ऑलरेडी सब बना हुआ, क्योंकि पिछले वीडियो हम लोगों ने बनाया था भाई, सिंपल है, फिर से थोड़ी ना लिखेंगे, तो अपडेट स्टूडेंट का भी है, तो हमें क्या करना है, बट अपडेट स्टूडेंट में आईडी और स्टूडेंट को पास करना, और सिंपली बैकएंड में हिट होगा, बैकएंड में ऐड होगा, हिट होगा, तो सिंपली हमें फिर उसको रिफ्लेक्शन मिलेगा, हम लोग फ्रंट एंड में उसको ऑटोमेटिक चेंज, सारा कुछ है ना, मतलब बस हम लोग तो यहाँ पर चीज थोड़ा सा चीज चेंज करें ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, ये जो है अभी पूरे कोड को देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर रुक जाओ। तो फ्रेंड्स अभी सब कुछ करने से पहले क्या करेंगे, साइड बार में जाते हैं, और एक चीज ना शायद मैंने चेंज नहीं किया था, जो कि मुझे पिछले वीडियो में कर देना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूज फॉर्म कहीं पर भी आपको दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है, डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना, डिफॉल्ट वैल्यूज ये रहा, ठीक है, ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज है यहाँ पे साइड बार में, जबकि इसको मेन वहां पे होना चाहिए जहां से बिलोंग करा, एकदम टॉप पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट फिर भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से, और मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से इसके अंदर से कर्ली ब्रेसेस हटाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और app.jsx में जाते हैं, और यहाँ पे जहाँ से पास हो रहा है यूज फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यूज हमें देना था, यहाँ पे देते हैं, टॉप पे होना चाहिए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर को ये इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, और हम लोग कंट्रोलर यहाँ पुट करते हैं, जो नॉर्मल यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है उसके जगह पे, तो अभी इसको भी कट कर लेते हैं सिलेक्ट करके, और हम लोग यहाँ पे देते हैं कंट्रोलर
ठीक है, कंट्रोलर यहाँ पे देते हैं ये रहा, अरे यार कंट्रोलर कंपोनेंट, और इसको सेल्फ क्लोज करते हैं क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ देना नहीं होता, सिंपली प्रॉप्स पास करना होता है, तो रेंडर प्रॉप्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देंगे पहले नेम देंगे, यानी उसका जो यूनिक होता है, तो नेम हम लोग भाई क्या नेम दे, कुछ रैंडम दे नहीं सकते, तो यूनिक क्या है, तो हर एक सेल का जो है ना, मतलब हर एक रो का जो है भाई जो यहाँ पे आईडी है वो यूनिक होने वाला है, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये यहाँ पर एक 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 लफड़ा है, हर एक रो का आईडी यूनिक है, ठीक है मानते हैं आईडी नहीं, जो भी मैं इंडेक्स के बारे में बोल रहा था, सॉरी इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स यूनिक है, लेकिन हम लोग इंडेक्स वाइज नहीं चल सकते क्योंकि हमें हर एक जो ये हर एक फील्ड का अलग अलग यहाँ पर आईडी देना होगा नेम में, मतलब इसका नेम में, ठीक है हर एक फील्ड का अलग अलग आईडी होगा। अब इसके से लॉजिक समझो, थोड़ा सा लॉजिक समझो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, क्या बोल रहा है पागल जैसा, मतलब कुछ भी, मतलब कोई सेंस नहीं मार रहा, आईडी इंडेक्स क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं बताता हूँ। कंट्रोलर में क्या होता है ना भाई, हर एक फील्ड का नेम देना होता है ना, जैसे कि इस फॉर्म को देखो एक बार, देखो एक बार थोड़ा देख लो, इसका नेम फुल नेम है, ठीक है, तो जब यूजर डालेगा कुछ यहाँ पर फॉर्म में इनपुट डालेगा, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट में जो फुल नेम है उसका वैल्यू में ये पुट हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। अगर इसका इस इनपुट में डालेगा तो भाई क्या होगा, उसका ईमेल में जाएगा क्योंकि इसका नेम ईमेल है, तो ईमेल वाले प्रॉपर्टी में जाएगा, समझ रहे हो। अगर नीचे आते थोड़ा, अगर फोन, यहाँ फोन इसका नेम है इस कंट्रोलर का, तो यानी इसका जो इनपुट रेंडर प्रॉम्प्ट में इनपुट हो रहा है, जो भी हो रहा है छोड़ दो, जो भी हो रहा है उस पर अगर यूजर कुछ लिखता है तो क्या होगा कि फोन वाले प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेम, नेम में एक्चुअली आपको वो प्रॉपर्टी देना, मतलब नेम में नेम का वैल्यू वो दो जो आपका ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर से आते हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा था यार कुछ भी बोल रहा है सुब्रत, मतलब क्या कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर कंट्रोलर है, तो अब भाई आप लोग यहाँ पर लूप थोड़ी ना चलाएंगे, ठीक है, या फिर हम सात बार तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 सात आइटम है ना, फुल नेम ईमेल एड्रेस फोन नंबर क्लास स्ट्रीट सिटी पिन कोड, अब ये जो सात है भाई, तो सात के लिए हम सात बार नहीं लिखेंगे ना, तो क्या होगा भाई 7 7 जाए कितना होता है 49 बार आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो भाई डायनेमिक मतलब हो, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि भाई हम लोग यहाँ पर आईडी देंगे, अब आईडी मतलब 1 2 3 4 नहीं, ठीक है, आईडी मतलब क्या मैं आपको अगर दिखाऊंगा अभी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ। तो अभी क्या करते हैं, मैं आपको कंसोल लगा के दिखा दूंगा भाई, सीन क्या रुको, मैं एक बार डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ, शायद दिखा पाऊँ अभी भी, नहीं दिखेगा ना क्योंकि भाई ये मैं फिर से रिलोड कर लिया, बट मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हर एक फील्ड का जो नेम है वो कैसे मिलेगा, जैसे ये फील्ड का नेम ईमेल एड्रेस होगा, इसका फुल नेम होगा, इसका फोन नंबर होगा, इसका स्टैंडर्ड होगा, क्लास तो लिखा होगा बट इसका होगा स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका होगा स्टेट, इसका होगा सिटी, इसका होगा पिन कोड, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मिलता है कॉलम डेड आईडी से, बोलो कैसे भाई कॉलम आईडी का क्या मतलब हो भाई, वो ऐसे मिलता है, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये जो कॉलम्स हमने डिफाइन किया ना, सबका मैंने आईडी डिफाइन किया, ठीक है, ये देखो, सॉरी आईडी अगर नहीं डिफाइन किया, जैसे इसको ओपन करते हैं, देखो ये आईडी इसका स्टेट है, ठीक है, इसका आईडी सिटी है, ठीक है। तो हर एक कॉलम का हम लोग आईडी एक्सेस कर रहे हैं, और क्योंकि जो आईडी का नेम है ना, आईडी का जो वैल्यू है वही हमारा डिफॉल्ट फॉर्म का भी की है। अगर डिफॉल्ट देखो फुल नेम है, तो ये अगर फुल नेम है तो कॉलम का आईडी भी हमने फुल नेम दिया था, जानबूझ के उस तरीके से हमने इसको सेट करके रखा है ना, करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं मतलब इसको सिंपल तरीके से करूँ, करना ही पड़ता है इसी तरीके से कि आपका सब कुछ ना इजी तरीके से हो। अब ऐसा नहीं आप फुल नेम दिया तो कहीं नेम लिख दो, कहीं ये अलना फलना ढिंकाना, ऐसा नहीं, ठीक है, हर एक चीज को आपको उस तरीके से सिंक करके मैप करके चलाना पड़ेगा ताकि आपको मतलब सुविधा हो, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पर आते हैं फिर से, और यहाँ पर नेम हम लोग लिखते हैं, कुल मिला के बात है कॉलम डॉट आईडी लिखना होगा, लेकिन हमने कॉलम को यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया, कॉलम कहने का मतलब कॉलम प्रॉप्स आता है, मैंने आपको दिखाया था ना प्रॉप्स को कंसोल लॉग करके, अभी मैं आपको दिखा दूंगा श्योर होने के लिए, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कॉलम लिखता हूँ, ठीक है, कॉलम। अब कॉलम के अंदर से आईडी आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉलम डॉट आईडी नेम में, बट उसको भी और एक लेवल पर हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे हमने रो का किया था, तो कॉलम फिर इस तरह से कॉलम देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस और लिखेंगे आईडी, तो उसके अंदर से हम लोग आईडी को बाहर खींच के निकालते हैं और लोकल वेरिएबल जैसा नाम उसको दे दे रहे हैं, ठीक है, आईडी मतलब बिहाइंड से नहीं होता ना, तो बिहाइंड से नहीं होता, तो यहाँ आईडी लिखते हैं, समझ में आ गया। अब लिखते हैं कंट्रोल, जो कि ये भाई ये इसका रीति रिवाज है, आपको इस तरीके से लिखना होगा, रिचुअल्स एक तरह से बोल सकते हो भाई इस तरीके से। अब आपको कंट्रोल में देना है सिंपली जो हमने देखो फॉर्म का जो था, रिएक्ट फॉर्म का कहाँ गया, ये मेथड्स में है ना, तो मेथड्स में सारा इसका मेथड्स है, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल में देना पड़ेगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, कंट्रोल में देना होगा मेथड्स डॉट कंट्रोल, सीधा कंट्रोल लेने से नहीं होगा, मेथड्स डॉट कंट्रोल, क्योंकि मेथड्स में वेरिएबल हमने सेव करके रखा है ना उसको, ये हो गया। और फिर हमें यहाँ रेंडर प्रॉप्स देना है भाई, एक सेकंड मैं पेस्ट करता हूँ, है क्या, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मुझे लगा वो मिट गया क्या, तो रेंडर लिखते हैं और रेंडर प्रॉप्स देते हैं, जैसे बाकी के लिए यूज करते उसी तरीके से, इसमें सिंपली एक एरो फंक्शन जाता और इस तरीके से, सॉरी, और हम अभी कंट्रोल भी प्रेस कर रहे हैं, तो ये पेस्ट हमने कर दिया उस टेक्स्ट फील्ड को, और क्या हो गया, सॉरी यार नोटिफिकेशन के साउंड के लिए, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये रेंडर होगा, तो रेंडर प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, और क्या है कि इसके अंदर से आता है, मतलब आप यहाँ पर एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो, तो इसके अंदर से आता है फील्ड, ठीक है, और बहुत कुछ आता है, तो फील्ड आता है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग फिर से कर लेते हैं, लिखते हैं फील्ड, और फिर ना यहाँ पर फिर वही
अपना तरीका यूज करते हैं कि भाई फील्ड में भी बहुत सारे मेथड रहते हैं, जैसे ऑन चेंज के लिए, वैल्यू के लिए, तो हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू इक्वल्स टू फील्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ऑन ब्लर इक्वल्स टू इसी तरह से फील्ड डॉट ऑन ब्लर, इस तरीके से बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े, ये ऑटोमेशन जैसा कुछ मत समझ लो कि भाई कुछ मतलब मैजिक जैसा कुछ हो जाए, एक्चुअल में तो भाई इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट देना, ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह से कर्ली ब्रेसेस देना और ट्रिपल डॉट देना, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर और आपको लिखना फील्ड। तो उसी तरीके से सेम वही चीज यहाँ पर, जितना भी फील्ड के अंदर चीज है ना यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो आपको मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, अब इसको ना करते हैं सेव, और मैं यहाँ से ऑन चेंज को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑन चेंज नहीं चाहिए यहाँ पे अपने को, तो मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, और मैं वैल्यू को भी हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ उसी के अंदर से आ रहा है, ठीक है, ये देखो फील्ड में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे वैल्यू इक्वल्स, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा बिहाइंड द सीन, वैल्यू इक्वल्स टू फील्ड के अंदर से जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा, ऑन चेंज इक्वल्स टू इस तरीके से सेट जो भी है, मतलब वो इसके अंदर साथ आप कंसोल लॉग करके भी देख सकते हो फील्ड को कि भाई क्या आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस जाते हैं, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, और देखो यहाँ पर ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, इसको एक बार रिलोड करते हैं, और अगर इस पर क्लिक करते हैं ना, इस पर क्लिक किया मैंने, देखो ये सारा एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे, अभी तुम सोच रहे हो भाई इससे पहले जब था ना टेक्स्ट फील्ड, तब तो भाई वैल्यू सही से आ रहा था भाई, वो इसलिए आ रहा था ना क्योंकि जो जो मतलब जो टेबल का डेटा था ना, जैसे ये था, तो ये इसी का वैल्यू हम लोग इसमें डाल दे रहे थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ये कहाँ से आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर अगर आ रहा है तो ये फॉर्म का जो हमारा डिफॉल्ट स्टेट है ना, ये देखो यहाँ पर फॉर्म का जो डिफॉल्ट वैल्यू इसी में से उठा रहा है यहाँ पर, तो खाली अगर देखो मान के चलो एग्जांपल के देखो, देखो अभी क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुब्रतो, ठीक है, देखना यहाँ पर सुब्रतो लिखा हुआ दिखेगा तुमको, अगर ये ऑटो रिलोड होता, हॉट रिलोडिंग होता है तो ठीक है, वरना मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, और ना मैं किसी को भी अगर इस तरह से करूंगा ना, एक बार क्लिक किया, देखो सुब्रतो लिखा हुआ है, किसी को भी करूंगा, देखो ये देखो सुब्रतो लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई ये ना डिफॉल्ट वैल्यू से उठा ला रहा है, तो इसमें सेट नहीं हो पा रहा है। सेट क्यों नहीं हो पा रहा है, जब हम लोग इस पर क्लिक कर रहे थे याद है, वो मैंने कमेंट कर दिया था कोड, अगर यहाँ पे देखोगे ना कॉलम पे, यहाँ पे आते हैं एकदम लास्ट पे, ये रहा एडिट बटन, कहाँ गया भाई एडिट बटन, ये रहा एडिट बटन, याद है यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट कर रखा था कुछ देर पहले, और उसको अभी डिलीट कर दिया था ना कि भाई उसका कोई काम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी एडिट बटन पे क्लिक हो रहा है तो भाई एडिट सिलेक्ट इंडेक्स सेट हो रहा है, जिसके बदौलत क्या हो रहा है कि इस तरीके से फील्ड्स आ जा रहा है। लेकिन हमें अभी एक चीज और करना है कि इसमें ना इस मतलब जो हमारा रिएक्ट फॉर्म था उसका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कर देना है, ताकि ना जब वैल्यू सेट होगा तब ये इसके साथ साथ यहाँ वैल्यू भी आ जाए, समझ गए। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए जो पहले करते भाई मुझे ना वो हटाना नहीं चाहिए था भाई, मैंने तो वो मतलब रिमूव कर दिया ना, तो मुझे रखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों चीज होने वाला, तो हम लोग यहाँ पर ना इसको सिलेक्ट करते हैं, मुझे और नहीं हटाना चाहिए था, सॉरी, इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज होने वाला है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कर्ली ब्रेसेस देंगे और अब उसको पेस्ट करते हैं, और उससे यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे मेथड्स डॉट, वही सेम चीज है जो मैंने डिलीट किया था ना उसको थोड़ी देर पहले, वही चीज था, मेथड डॉट रीसेट करते हैं, ठीक है। मेथड यानी मेथड वेरिएबल जिसमें कि रिएक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, तो मेथड्स डॉट रीसेट को कॉल करेंगे, और रीसेट को कॉल करने के बाद ना इसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू कैसे पास करेंगे, जिसपे भी क्लिक करते हैं ना, जिसपे भी एडिट बटन ऐसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, ऐसे इस पर क्लिक किया, तो जब भी क्लिक कर रहे हैं ना तो हमें वो ओरिजिनल डेटा कैसे मिलेगा, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर रो, ठीक है, जो हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया है यहाँ पर रो, ये रो लिखा हुआ ना, रो डॉट हमें लिखना होगा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में डेटा मिल जाता है ओरिजिनल। अब ओरिजिनल लिखने से क्या होता पता है, वो पूरा हमें मिल जाता है पूरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मिल जाता है, ये देखो ये, ठीक है, ये लीनियर है, लेकिन टेंशन मत लो, लेकिन अभी एक लफड़ा है, ठीक है, रोड और ओरिजिनल करने से नहीं होगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई जो हमें देखो एपीआई आप कैसे डिजाइन करते हो वो मैटर करता है, तो स्ट्रैपी में किस तरीके से आता है ना, आप सिंपल भी एपीआई बनाओगे ना तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो आईडी बनाया, उसके बाद उसके अंदर एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है जिसमें कि सारा आपको डेटा होता है, जैसे देखो एट्रीब्यूट्स के अंदर फुल नेम है, ना कि डायरेक्ट आप अगर किसी एक आइटम को देखोगे उसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसलिए लिखना होगा रो डॉट ओरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट्स, ये इसलिए नहीं कि रिएक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एपीआई कुछ इस तरीके से, रो डॉट ओरिजिनल करोगे तो आपको एक पार्टिकुलर वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो भी लूप में होगा जिसपे आपने क्लिक किया था वो वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे इस पर क्लिक किया था ये वाला मिलेगा, लेकिन भाई मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, ऐसा पूरा मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें रो डॉट ओरिजिनल डॉट फिर एट्रीब्यूट, आप अगर आप एक्सप्रेस जैसे एपीआई बना रहे हो तो होप क्या आप ऐसा नहीं डिजाइन करोगे एपीआई को, तो आप सिंपली रो डॉट ओरिजिनल लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ये जब रीसेट होगा तो इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि भाई जो इनपुट फील्ड है ना कंट्रोलर, वो डायरेक्ट कनेक्ट है हमारा डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं, ये तो आ गया ना क्योंकि वो रीसेट हो गया। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हो, डेवलपर टूल्स में चेक कर सकते हो कि डिफॉल्ट फॉर्म का ये सेट हो गया होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये डिफॉल्ट जो रिएक्टिव फॉर्म है ना उस फॉर्म ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू रीसेट हो गया, समझ गए, जो मैंने कुछ देर पहले डिलीट किया, तो यहाँ तक तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो जो मैं बोल रहा था ना वो एक बार दिखा देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे आते हैं और कॉन्सोल लॉग करते हैं प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स डॉट, अच्छा प्रॉप्स ही करते हैं कॉन्सोल लॉग, ठीक है,
कि मैं दिखा दूं। अच्छा प्रॉप्स तो होगा नहीं क्योंकि भाई कॉलम आ रहा है ना, ये भी बात है। कॉलम का आप देख सकते हो, ठीक है मैं कमेंट कर देता हूँ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करके रखा है ना, तो मुझे प्रॉप्स दिखाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। बट जो भी हो भाई, प्रॉप्स में से वो आ रहा था ना कॉलम, और कॉलम के अंदर आईडी, बट वो दिखाने समझाने के लिए था। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, मतलब वो चीज़ बस बोल रहा था ना कि मैं दिखा दूंगा, तो जाने दो कोई बात ना, लेकिन वही चीज़ है मतलब अरे कॉलम का आईडी निकाल रहे थे अपन। तो फ्रेंड्स अब आता है वो एक्चुअल, मतलब वो वक्त आता है जब हम लोग अब रियल में उसको अपडेट करने वाले हैं। ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। काफी सिंपल है भाई मेरे, मैंने बताया था यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ मतलब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया मेटा ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, ये रहा मेटा। ठीक है तो मैं यहाँ से बस मेटा में अपडेट स्टूडेंट है जिस फंक्शन को कॉल करना होता है हमें दो चीज भेजना। ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग को दो चीज भेजना है, एक आईडी बताना भाई, ये आईडी ताकि भाई किसको अपडेट करना है पता, तो एपीआई में पता चलेगा ना भाई किसको अपडेट करना है उसको बताना है ना। तो हमने इस तरह से उसको डिजाइन किया कि भाई यहाँ पर हम लोग आईडी भेजेंगे और यहाँ पे हम लोग मतलब एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। यहाँ तो भाई सॉरी यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या होगा ना, हम लोग ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसमें कि पूरा वो अपडेटेड वाला स्टूडेंट होगा, यानी कि पूरा रिएक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट होगा और साथ में आईडी भी होगा। ठीक है ठीक है तो ये देखो कहने का मतलब तुम्हारा ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में भेजेंगे और साथ में आईडी भेजेंगे। ठीक है तो कैसे होगा, वो कब होगा, मतलब कैसे होगा वो बात नहीं, कब होगा क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कुछ लिखा और अगर मैं सुब्रतो विश्वास की जगह लिखता हूँ तूफानी कोडर, ठीक है और यहाँ पे कुछ करता हूँ तो कुछ क्लिक करने से नहीं हो रहा है। ठीक है जबकि यहाँ होना चाहिए था कि भाई अपडेट हो जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है नॉर्मल इस फेज में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले इस बटन के पास पहुंचते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ टाइम ट्रेवल कर लेते हैं भाई, कहाँ गया बटन कहाँ, ये रहा सक्सेस, ये रहा ये सक्सेस वाला बटन। ठीक है तो अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज ध्यान समझना, मतलब हो सकता है बहुत तो आप में से रिएक्ट फॉर्म जानते हो क्योंकि मैंने सीरीज बनाया था और आप लोगों ने वीडियो भी देखा था। तो देखो यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है भाई, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है कि हम लोग सबमिट बटन पे है सबमिट क्लिक करवा दिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर सबमिट ट्रिगर करवा सकते हैं कैसे, वो देखो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, यानी जब भी इस बटन पर क्लिक किया जाए। ठीक है ऑन क्लिक इस तरीके से देते हैं और यहाँ पे देते हैं पहले तो कि भाई यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेथड्स डॉट हैंडल सबमिट। ठीक है मेथड्स यानी भाई वो वेरिएबल जिसमें कि हमने कॉल कर रिएक्ट हुक फॉर्म का सारा मेथड्स को रखा है स्टोर करके, तो मेथड्स डॉट उसमें मेथड्स का एक हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे। ठीक है तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब इस पर मतलब ये तब कॉल होगा जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब बटन पे क्लिक किया जाएगा, ऑन क्लिक लगाया ना सक्सेस पे। ठीक है तो इस तरीके से, और इसमें हमें डेटा मिलेगा। ठीक है डेटा मिलेगा कहना इन द सेंस कि डेटा में पास होकर आता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ डेटा मिलेगा, तो उसको ऐसे डेटा में ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है तो ये डेटा मिलेगा इस, अब इसको ना यहाँ पर ये एक तरह से कॉल बैक फंक्शन जाएगा। ठीक है इसको कॉल बैक बोलते हैं, तो कॉल बैक फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को पास करते हैं ये। ठीक है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीपल चीज होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। ठीक है अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबमिट यहाँ पे तो होगा, मतलब जब भी क्लिक करेगा ना तो हैंडल सबमिट कॉल होगा। ठीक है आप वैलिडेशन करना तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल वो मेटा फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, मेटा फंक्शन था ना हमारे पास मतलब कि वो अपडेट के लिए, तो सिंपली हम लोग यहाँ लिखेंगे टेबल डॉट ऑप्शंस, ये रहा ऑप्शंस डॉट मेटा। ठीक है मेटा इस तरीके से, और डॉट क्या था फिर डॉट अपडेट स्टूडेंट, ये रहा। ठीक है अब इसके अंदर हम लोग भेजेंगे क्या, हम लोग पहले इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर इसको भेजने वाले हैं। ठीक है ऑब्जेक्ट फॉर्म में इसको हम लोग भेजेंगे ताकि भाई क्योंकि हमें आईडी भेजना है ना, मैंने बोला ना आईडी भेजना है और हमें भेजना है और जो डेटा था वो। ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं आईडी, और आईडी कैसे निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे रो, हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रक्चरिंग करके रखा है, तो लिखेंगे रो डॉट ओरिजिनल डॉट आईडी। ठीक है रो डॉट ओरिजिनल डॉट आईडी। ठीक है ये उसका एक्चुअल आईडी है जो बैकेंड सारा, ये देखो ये जो आईडी है ना, ये आईडी वन है वही चीज़, इसलिए हम लोग लिखते हैं रो डॉट ओरिजिनल डॉट आईडी। ठीक है और फिर हम लोग यहाँ पे डेटा को पास करेंगे। ठीक है तो डेटा को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर देंगे इस तरीके से, तीन इससे डॉट 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 देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटा। तो क्या होगा ना, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी फील्ड है ना यहाँ पर छप जाएगा, मतलब कॉपी पेस्ट वाला हो गया ना, छापते नहीं कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सारा यहाँ पर एज ए प्रॉपर्टी वैल्यू में सेट हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा और इसके बाद फॉर्मेटिंग इसको थोड़ा कर लेते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा काम हो गया तो भाई इसको अब इस तरीके से दिखाने का तो कोई मतलब नहीं बनता, हम लोग फिर क्या कर देंगे, सेट एडिट सिलेक्टेड इंडेक्स को नल सेट कर देंगे। जैसे नल होगा तो ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड की जगह फिर ये नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है फिर इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं कि भाई क्या होता है या नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है इसको मैं रिलोड करता हूँ, और अभी सुब्रतो विश्वास है तो इसको मैं तूफानी कोडर कर देता हूँ। ठीक है तूफानी कोडर, ठीक है और मैं सिटी यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ रामगढ़। ठीक है और अभी इस पर क्लिक करते हैं, भाई ये हुआ तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, नहीं भी हुआ तो कुछ नेटवर्क टैब में देख सकते हैं अपन जाके शायद। अच्छा एक्सियोस एरर आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, चेक जरूर करेंगे क्या आ रहा है एक्सियोस एरर, बट यहाँ पर इसको अच्छा देख सकते हैं क्या इशू आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 400 है बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं हमने जो डेटा भेजा ना उसका फॉर्मेट सही नहीं है मे बी, वरना ऐसा तो नहीं आता है।
एक सेकंड मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लेता हूँ यार क्या लफड़ा, फिर आपको बताऊंगा साथ में, क्योंकि वीडियो ऑन करके देखो ऐसा नहीं मैं बहुत बार वीडियो ऑन करके बताता हूँ लेकिन जब मुझे तुरंत समझ में आ जाता भाई ये इशू है तुरंत बताता हूँ, लेकिन अब वीडियो पॉज करके मैं आपको तो ये नहीं बोल सकता ना कि मैंने अभी तक देखा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रामा कर रहा हूँ बट थोड़ा पॉज करके देख लेता हूँ रुको क्या इशू आ रहा है फिर आपको बताता हूँ मैं आप, ठीक है, मैंने अभी तक पता नहीं किया क्या इशू है बट हम लोग ना इससे पहले कॉन्सोल लग करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही तो है, कॉन्सोल लग करते हैं ना और इसी को कॉपी कर देते हैं, रुको तो भाई देख लेते हैं कि क्या इशू है, तो कॉपी करते हैं यहाँ से और ना ये लाइन को अभी के लिए ये कर लेते हैं कमेंट करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल के सी प्रेस करो ना कमेंट हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्सोल लग करके देखते हैं, चलो एक बार फिर इसको मैं ये करता हूँ और ना अभी देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, मतलब तो पहले देख लेते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या सही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुब्रोतो, यहाँ लिखते हैं तूफानी कोडर इस तरीके से और मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे रांची की बार देता हूँ रामगढ़ हो गया और इस पर क्लिक करते हैं देख लेते हैं आईडी आ रहा है, हाँ आईडी जा रहा है, बाकी भाई कुछ तो सही है, बाकी तो भाई कहीं गलती नहीं होना चाहिए अपना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल तो सही है, कुछ तो इशू नहीं आना चाहिए था। तो फ्रेंड्स फाइनली समझ में आ गया क्या इशू है यार, एपीआई का इशू था, मतलब फाइनली मुझे याद आया, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला था पता क्या करके, मैं पोस्टमैन ओपन किया हुआ था, ये देखो पोस्टमैन ओपन किया हुआ था और मैं आपको ये दिखाने वाला था कि भाई देखो पोस्टमैन में चलो टेस्ट करके देखते हैं क्या एरर है, टेस्ट करके समझ में आ गया, मतलब मैं सोच रहा था बट जब भी किया ना ये मैं पहले कर चुका था, ठीक है, इसे देखो डेटा पहले से, तो मुझे अचानक से माइंड में हिट किया एक बात कि मैं पहले बार टेस्ट कर रहा था ना, तो उस वक्त भी स्टार्टिंग के टाइम जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा था पहला वाला वीडियो उससे पहले ना क्या हुआ था फ्रेंड्स की नहीं हो रहा था, तो मैं इसलिए पोस्टमैन पे उस बार भी टेस्ट किया था, तो अभी फिर से करना है, ये दिखा तो मुझे याद आ गया भाई पुराना कहानी। तो क्या सीन है ना कि आपको ना जो ऑब्जेक्ट भेज रहे हो उसको आपको डेटा प्रॉपर्टी के अंदर भेजना, तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आपका एपीआई जैसे आपने बनाया, क्योंकि स्ट्रैपी के एपीआई बनाया बट वो किस तरीके से आता रिस्पॉन्स उतना आइडिया मतलब मुझे उतना याद नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा उतना काम नहीं किया, थोड़े मोड़े काम किया मतलब काम भर मुझे पता है, तो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पास करना होता है सिंपल सा है, तो मैंने ऑलरेडी पास कर दिया, ये देखो ये कुछ इस तरीके से था, मैंने अभी टेस्ट किया ना सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से था, अभी इसको रिमूव करते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है ये जो इस तरीके से हमने लिखा था ना, तो हमें ऐसा नहीं लिखना, हमें लिखना है डेटा यहाँ प्रॉपर्टी देना जिसमें कि सारा हमारा डेटा जाएगा, तो डेटा इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, ये मतलब हुआ डेटा प्रॉपर्टी के अंदर वो सारा डेटा जाएगा, यानी कि वो रिएक्ट फॉर्म का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, तो क्योंकि अब दोनों का नाम भी सेम है तो आप सिंपली एक बार भी लिखोगे तो चलेगा, अच्छा अच्छी बात है ना ये, ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, चलो जाके देखते हैं यहाँ पे, देखो मैंने चेंज भी किया तो अभी हो गया, ठीक है, क्या ही दिखाऊं, चलो फिर से दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी तूफानी से, मैं सिंपली तूफानी कोडर लिखता हूँ इस तरीके से और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, अब मैं अगर चेंज कर दूँ सुब्रतो विश्वास लिख दूँ, देखो सुब्रतो विश्वास, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया और ये देखो आ गया अपडेट हो गया, अब किसी को भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ तूफानी @ क्या दे दूँ gmail.com कुछ भी रैंडम, यहाँ पे चलो एक पेस्ट करके देख लेते हैं रैंडम कुछ भी, क्लास 13 करते हैं, 13 होता नहीं बट फिर भी चलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर रामगढ़ दे देता हूँ, पिन कोड में कुछ भी रैंडम तरीके से और इस पर करते हैं क्लिक और देखो सारा अपडेट हो गया ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, एक चीज है जो मुझे लगता है गलत है, देखो यहाँ पर इसका ना ये होना चाहिए था टिक मार्क पे तुम्हारा क्या बोलते हैं ग्रीन होना चाहिए था, ग्रीन नहीं है ना, रुक जाओ एक सेकंड कहाँ गया भाई कहाँ गया, ये ऊपर होगा शायद ऊपर होगा नहीं ये रहा, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था सक्सेस का, ए सी यू शायद डबल सी होता ना, डबल सी डबल एस ऐसा होता क्या, हाँ सही है सक्सेस का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, ये देखो ठीक है, तो यहाँ तक तो भाई सब कुछ सही है, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो भाई ये हो गया इतना ही था, ठीक है, इससे तो कुछ था नहीं, बस इतना ही था कि आप कैसे अब डायनेमिक कर सकते हो, तो बस एक चीज बचा हुआ कि भाई थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं अपन, क्लीन अप करना बाकी है ना कि भाई यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम लोग तो इसको सिर्फ क्रिएट के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, ना कि तुम्हारा इसके लिए अपडेट के लिए, ठीक है, तो ये देखो जब भी कर रहे हैं तो ये हो रहा है, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली देखो क्या कर सकते हैं ना अपन, जब इस पर क्लिक करें तो भाई देखो अब देखो एक यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब कि ग्लोबल कहने का मतलब पूरा दुनिया का नहीं, ग्लोबल कहने का मतलब मेरा था कि एप्लीकेशन का जो है ना सब जगह यूज कर रहा है, जैसे ये जो स्क्रिएट है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इस वैल्यू को भाई हम लोग रिसेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एडिट के लिए भी यूज कर रहे हैं और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं तुम्हारा क्रिएट के लिए भी, क्रिएट यानी यहाँ पे जब हम लोग जैसे इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना उसके लिए भी यूज कर रहे हैं और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो रिसेट हो रहा है उसके लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई एक चीज का एक कॉपी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशन यार कुछ इसका परफेक्ट नहीं होता भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो, क्या ही दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना ये सही तरीका और ये गलत, भाई सही गलत कुछ नहीं होता, आपको जो सही लगे कंफर्टेबल लगे, एप्लीकेशन आपका आप बना रहे हो क्लाइंट आपका हो सकता है, तो भाई मतलब क्या बोल सकता है कि भाई क्या सही सही तरीका, ठीक है, तो
यहाँ पे इसको क्या करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है। और ना क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना एक प्रॉपर्टी देते हैं करेंट स्टूडेंट ठीक है। यानी कि करेंट स्टूडेंट का कहने का मतलब ये होगा कि भाई जिस पे हम लोग अभी एडिट कर रहे हैं ना, तो इसका अलग बना देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, इसका अलग ठीक है। और सेटअप करना काफी ईजी है, तो इसका वैल्यू में इस तरह से ऑब्जेक्ट देते हैं और सारे प्रॉपर्टी को पेस्ट कर देते हैं, हो गया ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, काफी सिंपल है। अब थोड़ा नीचे आते हैं ना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो ये है ना, ये कंट्रोलर हमने आईडी दिया था ठीक है, हमने यहाँ पर नेम में आईडी दिया था ना, आईडी एक्चुअल में वो फुल नेम था, बट फुल नेम कहने का मतलब है, जैसे फुल नेम था नहीं, मतलब फुल नेम था, ईमेल एड्रेस था, फोन नंबर था, क्लास था, स्टेट था, सिटी था, पिन कोड था ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ना ये हुआ ठीक है। लेकिन हम लोग एडिट के लिए चाहते हैं करंट स्टेट क्या, करंट स्टूडेंट के अंदर का जो ये है फुल नेम इसको ठीक है। तो हम लोग सिंपली बस थोड़ा सा चेंजेस करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करना भाई। सही सेटअप हो जाए, कहाँ गया यार, कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा ठीक है। नेम में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देते हैं इस तरीके से हटा देते हैं, रुको आईडी रिमूव करते हैं और बैकटिक्स देते हैं ठीक है। तो थोड़ा डायनेमिक चीजें देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे करेंट, देखो करेंट स्टूडेंट डॉट, फिर आएगा जो भी आईडी होगा, फुल नेम रहेगा तो करेंट स्टूडेंट डॉट फुल नेम आएगा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा पता है, इसका मतलब ये रेफर करेगा इसको तुम्हारे, ये करेंट स्टूडेंट डॉट फुल नेम, करेंट स्टूडेंट डॉट ईमेल, करेंट स्टूडेंट डॉट फोन, करेंट स्टूडेंट डॉट स्टेट, करेंट स्टूडेंट डॉट सिटी, करेंट स्टूडेंट डॉट पिन कोड, करेंट स्टूडेंट डॉट स्टैंडर्ड ठीक है। तो अब ये तो भाई फुल नेम तो स्टैटिक हो गया ना, इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इसको यहाँ पर डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पर आईडी लिख देंगे, तो आईडी हमेशा डायनेमिक होगा और करेंट स्टूडेंट स्टूडेंट जो है ये तो स्टैटिक ही रहने वाला है ना। तो ये हमारा एक यहाँ पर एक चेंजेस हो गया एडिट फॉर्म के लिए। और एक चेंजेस हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो एक चीज और करना था भाई, यहाँ पे ना प्लेस होल्डर ऐड करना था ठीक है। तो प्लेस होल्डर में देते हैं प्लेस सॉरी यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में इन दोनों को रिमूव कर देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं प्लेस होल्डर ठीक है, जो हिंट टेक्स्ट के लिए होता ना। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटर योर फुल नेम ठीक है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, फिर सब में आएगा इंटर योर फुल नेम। इसको भी कैसे बना सकते हैं थोड़ा क्रिएटिव, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर वही देंगे, लेकिन यहाँ पर भाई डबल कोट्स नहीं, प्रैक्टिस देते हैं। देखो मैंने इतना कोशिश कर लिया पूरे वीडियो में स्लो बोलने की भाई, लेकिन नहीं हो पाता है, कोशिश करूंगा भाई, मतलब कोशिश करूंगा कि स्लो बोलने की, लेकिन देखता हूँ ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिस देते हैं और यहाँ पर उसी को पेस्ट करते हैं इंटरव्यू, और बाकी भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आईडी को पुट कर देंगे। तो आईडी यानी इंटरव्यू फुल नेम, जो 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 भी सेल रहेगा उसका आ जाएगा, इंटरव्यू ईमेल एड्रेस, इंटरव्यू फोन नंबर, इंटरव्यू क्लास, इंटरव्यू स्टेट, इंटरव्यू सिटी, इंटरव्यू पिन कोड, जो भी आईडी रहेगा, जो भी आईडी रहेगा वो आ जाएगा ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। अब और क्या क्या चीजें अभी चेंजेस करना, अभी जाते हैं यहाँ पे आइकन जो बटन था ना, आइकन बटन था ये रहा, यहाँ पे ऑन सबमिट था। तो ऑन सबमिट पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे डेटा जो भेज रहे थे, अब देखो यहाँ पर ऐसा लिखने से नहीं चलेगा क्योंकि डेटा अगर बोलोगे तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमें भेजना है। देखो ये माउस ओवर कर रहा हूँ, आ रहा ना, डेटा अगर लिखते हैं तो सिंपली ये वाला आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, यानी पूरा आ जाएगा। तो हमें सिर्फ करेंट स्टूडेंट को पास कराना, क्योंकि करेंट स्टूडेंट में वही हमारा डेटा जो यूजर एडिट के लिए रखा हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से डेटा डॉट करेंट स्टूडेंट ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना, और अभी जब रीसेट कर रहे हैं ना, रीसेट वाला कहाँ क्या, ये रहा रीसेट, तो ये रहा रीसेट कर रहे थे ठीक है। तो रीसेट में हमने क्या किया था भाई, रीसेट कर रहे थे रो डॉट ओरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट कर रहे थे ना। तो रीसेट अगर ऐसा करेंगे ना तो भाई क्या होगा कि भाई ये डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट उसको रीसेट कर देगा। तो हमें क्या करना है, करेंट स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट पे करना है ना, जो उसी का कॉपी है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं, अब हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कराएंगे इस तरीके से, और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, मतलब कट कर लेते हैं सॉरी, और यहाँ लिखेंगे करेंट स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिकली उस करेंट स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में ये सेट करेगा ठीक है, हो गया। और ये हो गया लगता है, इसको एक बार रिलोड करते हैं, तो शायद कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं एक बार फिर से। ये नहीं, सब कुछ सही है ठीक है। मैं फिर से अगर यहाँ तूफानी ऑर्डर कर देता हूँ इस तरीके से, और इस पर करते हैं, हो गया सब कुछ सही है। अब लास्ट भाई एक चीज बताया, फॉर्म को क्लीन अप कर लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब कोई काम नहीं होगा ना कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मतलब उस तरीके से ना हो, तो कुछ चीजें क्लीन अप करना है। जैसे कि आते हैं यहाँ पे, चलो और कंट्रोल के जीरो एक साथ प्रेस करते हैं, मतलब के उसका जीरो कंट्रोल प्रेस करके रखना है। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम करनी है, जैसे ईजी एडिटिंग ये नहीं चाहिए ठीक है, ईजी एडिटिंग, और ये जो है ये नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, गेट वैल्यूज ये नहीं चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग रिसेट, मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ी ना उसके लिए यहाँ पर गेट वैल्यूज लेके, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, यूज इफेक्ट भी नहीं चाहिए यहाँ पे ठीक है। बस ऐड के लिए हम लोग फॉर्म बना के रखे हैं ना। और ऑन सबमिट में हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर इज एडिटिंग मोड है तो एडिट करना, नहीं तो नहीं, भाई ये सब चाहिए नहीं अपने को ठीक है। ये यहाँ तक कट कर देते हैं, और इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ये हो गया ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पे रिटर्न में यहाँ देखते हैं, इसको ओपन करना है तो कंट्रोल की और राइट स्क्वायर ब्रैकेट करने से, नहीं
कंट्रोल शिफ्ट राइट राइट भाई, इसका बहुत सारे शॉर्टकट्स ओपन करने के भाई दिमाग में कभी। अच्छा कंट्रोल के इस तरीके से पता नहीं यार, अच्छा चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सिंपलीफाई, ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इज एडिटिंग लिखता हूँ, इज एडिटिंग ये रहा, ठीक है। और ये सब नहीं चाहिए कि भाई स्टार्ट आइकन है हमेशा ऐड, क्योंकि सिर्फ ऐड के लिए ना, तो फिर हमें ये सब तो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो कट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी नहीं चाहिए भाई इज एडिटिंग, एडिटिंग मोड है तो भाई अपडेट स्टूडेंट लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अब अलग अलग सेपरेटली कर रहे हैं ना। तो इसको भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो सिंपल टेक्स्ट है। होप कि भाई अब क्लीनअप हो गया होगा। इसको रिलोड करके देख लेते हैं अगर आपको देखना। चलो एक फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे मैं देता हूँ एक सुब्रोतो विश्वास, ईमेल एड्रेस सुब्रोतो रैंडम कुछ भी लिखते हैं @test.com@dini ऐसा राजीव यार फोन में कुछ भी रैंडम देते हैं, जैसे 111 इस तरीके से। स्टेट में मैं देता हूँ झारखंड जो कि मेरा स्टेट है, उसको सिटी में मैं देता हूँ रांची, और पिन कोड में कुछ रैंडम पिन कोड जैसे 8877766, क्लास में देता हूँ 15, ठीक है। क्रिएट करते हैं, ये हो गया। इसको अभी कुछ डिलीट करके देखते हैं, जैसे इसको डिलीट कर दिए, ठीक है, और ये भी डिलीट कर दिया। इसको एडिट करना, एडिट करके वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे लिखना तूफानी कोडर, ठीक है, हाँ हो गया, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डायनेमिक एडिटिंग वाला फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इसी तरीके का कमाल के टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।